अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रेनिंग का या आज के सेशन का, दैट इज ऑल अबाउट द न्यू कैटलॉग। अच्छा जी, हर सबसे पहले हम थोड़े से मैकेनिक्स समझेंगे, कैटलॉग कैसे डिजाइन की जाती है, कैसे आती है, कैसे अप्रूव होती हैं प्रोडक्ट्स, और हम तक कौन सी चीजें पहुंचती हैं। सबसे पहली चीज जो आपको टॉप पे नजर आ रही है वो हमारी कैटलॉग का एक पीरियड लिखा हुआ है। कैटलॉग के ऊपर लिखा है फर्स्ट अक्टूबर से, आपको यहाँ नजर आ रहा है फर्स्ट अक्टूबर से 31 दिसंबर तक की कैटलॉग रहेगी। जब ये नई कैटलॉग आई, जब लॉन्च हुई, तो उस वक्त बहुत से लोग जब इस कैटलॉग को देखते हैं, आई अंडरस्टैंड एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ज्यादा होता है लोगों का, तो लोग बहुत से क्वेश्चंस करते हैं जिसके अंदर क्या करते हैं, वो इस कैटलॉग को तो देख लेते हैं और उसके बाद कोड्स एंटर करना शुरू कर देते हैं नई चीजों के एक्साइटमेंट में, और ऑब्वियसली उनको नहीं मिल रही होती। कैटलॉग का जो पीरियड कैटलॉग के ऊपर लिखा हुआ है, इसकी प्रोडक्ट सिर्फ उसी पीरियड में अवेलेबल होती है। अगर फॉर इंस्टेंस 31 दिसंबर तक की कैटलॉग है, 25 दिसंबर को हमारी इससे अगले साल वाली कैटलॉग आ जाती है, तो फिर भी आप उसकी कोई प्रोडक्ट 1 जनवरी से पहले नहीं ले सकते। वो भी कब, जब हमारी LC हो जाती है हर महीने की पहली तारीख को, जो 11:30 होती है, 1 बजे के करीब हम सेल खोलते हैं। ये हम वक्फा क्यों देते हैं ये भी बता दूं, आपकी जितनी भी एप्स हैं वो डिसेबल हो जाती हैं, वो काम नहीं करती, आप ऑर्डर नहीं प्लेस कर सकते। उसका रीजन ये होता है, इस कैटलॉग में जो नए कोड्स आते हैं, जो सेल्स एक्शन आ रहे होते हैं, जो चीजें डिसकंटिन्यू होती हैं, वो तमाम हम पूरे इस अरसे के अंदर उनको अपडेट करते हैं सारी चीजों को, इसलिए हमें इतना सा टाइम लग जाता है। ये तो आप और मैं, हम सब जानते हैं हमारी प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड होती हैं और बाहर से यहाँ पर लाई जाती हैं। हर कैटलॉग जो होती है उसके पीछे एक बहुत बड़ी जो होती है अपॉर्चुनिटी होती है। याद रखिएगा, जिंदगी में अपॉर्चुनिटी किसी बहुत बड़ी चीज के आने का नाम नहीं होता, कि बहुत बड़ी चीज आपके हाथ में आ जाएगी और आप उसे अपॉर्चुनिटी कहेंगे। याद रखिएगा, बाल्टी का पानी भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक आम सी एक बुक पढ़ना अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपकी पूरी लाइफ को बदलते है। सो हम लोग उस अपॉर्चुनिटी की तलाश में, जो बहुत बड़ी चीज होगी, आज मैं आपका माइंड सेट क्लियर कर दूं, अपॉर्चुनिटी का मतलब है छोटी चीज को लेना, उसको पकड़ना और उस पर काम करके उसको बड़ा बनाना। नाउ दिस इज कॉल्ड एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सो ओरिफ्लेम की एवरी कैटलॉग इज अ बिग अपॉर्चुनिटी, ओरिफ्लेम की मेंबरशिप इज अ बिग अपॉर्चुनिटी, अगर आप समझें तो। अच्छा जी, इसके टॉप पर मैं, चूंकि बहुत से हमारे नए लोगों ने ज्वाइन किए, से मैं बेबीज की तरह समझा रही हूँ, इसके बिल्कुल टॉप पर हमारी वेबसाइट है www.oriflame.com.pk, ठीक है। ये लास्ट कैटलॉग है इस क्वार्टर की, एक एक पेज के साथ आपके साथ चलूंगी। इनको आप में, आप हम सब लोग जानते हैं कौन है, ताहिर मजीद साहब हैं, ये कंट्री डायरेक्टर ओरिफ्लेम पाकिस्तान है, ये कंपनी के एम्प्लॉय हैं, हम कंपनी की दूसरी साइड पर काम करते हैं, हम एम्प्लॉय नहीं है। ताहिर साहब ओरिफ्लेम स्वीडन की तरफ से हायर्ड एक पर्सन है। बहुत से लोग ये बात भी कह रहे होते हैं कि थैंक यू ताहिर साहब फॉर ब्रिंगिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू पाकिस्तान, दैट्स नॉट द पॉइंट, द पॉइंट इज दिस कि ताहिर साहब खुद एक एम्प्लॉय हैं और ताहिर साहब के पास भी ये अपॉर्चुनिटी उसी तरह ही है। सो ताहिर साहब इज नॉट द पर्सन जो ये अपॉर्चुनिटी लेकर पाकिस्तान में आए हैं, ये अपॉर्चुनिटी स्वीडन के खुद ओरिफ्लेम ने यहाँ पर काम किया और उनको हायर किया गया है इस तमाम स्टाफ को, ठीक है। ओके जी, हम आज की इस कैटलॉग के अंदर सब बहुत सी चीजें देखेंगे, जहाँ बहुत सी चीजें देखेंगे, आपको ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी कैटलॉग के को एक खास तरतीब से डिजाइन किया गया है और इस तरतीब को समझना भी हमारे लिए जरूरी है। पहले आपको बहुत से रंग नजर आ रहे हैं नंबर्स के साथ, अगर एक आम कोई भी कैटलॉग होती तो एक ही रंग काले रंग से लिख दिए जाते हैं नंबर्स, या एक ही रंग से लिख दिए जाते हैं, बट व्हाई इज दिस डिफरेंट। इसलिए हमने नंबर्स को फर्क लिखा है, क्योंकि देखें 08 पेज से, यानी 8वें पेज से जो आपके पास प्रोडक्ट आ रही है,
दैट इज लुक्स टू लव, कुछ समथिंग जो मुझे इससे लग रहा है, जिस तरह ब्यूटी की कुछ प्रोडक्ट्स होंगी, लाइक लव ब्यूटी दे आर एसोसिएटेड, सो होपफुली दे आर ब्यूटी प्रोडक्ट्स। पेज नंबर 28 को जब हम ब्राउज करें, जिस जिसमें पर्पलिश कलर इन्होंने डाला हुआ है, तो उससे मुझे और मेकअप की ही, जिस तरह इसमें लिखा हुआ है सेक्शन ऑफ मेकअप डायरेक्टली लिखा हुआ, वो आ रहा है 32 पे आपको स्किन केयर नजर आ रही है, बॉडी एंड हेयर केयर इज 54। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन क्यों की गई है, जब आपके हाथ में कैटलॉग आती है तो उसके ऊपर जो साइडों पर आपको इसकी पेज की, आई एम श्योर साइड पर एक कलर भी नजर आएगा आगे चलकर, जब हम इन सबको क्लो पास करेंगे ना, तो ये देखिए आपको यहाँ लाल रंग नजर आ रहा है, और यही लाल रंग मौजूद है पेज नंबर 8 से आगे, ठीक है। ये लाल रंग आपको नजर आ रहा है, ये जो लोग कैटलॉग देख रहे हैं पेज नंबर 800 ऑनवर्ड से रेड कलर स्टार्ट हो गया ये, और जो आप नीचे जाते हैं ये कलरिंग बदलती चली जाती है, ये रेड है क्योंकि हमने 28 की बात की थी, 28 से आगे ये पर्पलिश कलर में चेंज हो जाएगा, तो रेड मीन्स मेकअप। ये इसलिए हम बताते हैं क्योंकि हम आपको प्रोफेशनली ग्रो करते हैं, तो प्रोफेशनली ग्रोथ के अंदर क्या होता है, आप किसी शख्स को अपनी कैटलॉग दिखा रहे हैं, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो गया 28, 29 से पर्पल कलर, अब आपको साइड की सारी लाइन पर्पल नजर आएगी। ये बात बताने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब आपके हाथ में कैटलॉग हो और आप किसी से कैटलॉग के बारे में बात कर रहे हो, तो आपने कोई आपको कह रहा है जी पेज नंबर इस पे क्या है, तो आप बहुत आसानी से अपने मेंबर को बता सकते हैं, उस पेज को खोल सकते हैं, अगर आपको बाहर से पेजेस का मालूम है, ठीक है। तो ये आपको प्रोफेशनल लुक दिखाता है कि अगर आपने किसी को मेकअप का, 40 से 28 तक पहुंच जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा पेजेस ब्राउज नहीं करने पड़ेंगे, अगर आप इसमें भी काम कर रहे हैं पीडीएफ में तो ये आपके लिए हेल्प का काम करेंगी। तो ये हर पेज डिपिक्ट करता है किसी चीज को, नीचे ओरिफ्लेम के जितने भी ऑफिशियल हैंडल्स हैं वो दिए गए हैं, जिसमें इसका फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, और बाकी की चीजें मौजूद हैं जिनसे आप जो है ऑफिशियल तरीके से, अगर आपको पता करना है कि ओरिजिन का ऑफिशियल हैंडल कौन सा है, तो वो ये वाले हैंडल्स हैं। अच्छा जी, सबसे पहले इन्होंने इस कैटलॉग के अंदर एक चीज ये लिखी हुई है कि हम किस तरह की ब्यूटी कंपनी है, तो इसमें ये स्टांस दिया गया है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल ब्यूटी कंपनी है, और हमारा जो हम प्राउडली इस बात को कहते हैं कि हम पानी को स्मार्टली इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस एफर्ट्स कर रहे हैं कि हम अपने माहौल को, क्लाइमेट को, और पौधों को फॉरेस्ट फ्रेंडली हों, ठीक है। हमारी जितनी भी पैकेजिंग मौजूद है हम बहुत सेफ तरीके से चीजों को पैक करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी 99% जितनी भी जो कैटलॉग्स हैं और बॉक्सेस हैं और चीजें हैं, वो रिसाइकल्ड सर्टिफाइड सोर्सेस से हम देते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि हम फॉरेस्ट को ना काटें, और हम प्रोडक्ट्स हमारी प्रोडक्ट्स की वजह से किसी भी तरीके से पोल्यूशन ना फैले। तो कंपनी का ये स्टांस एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस है, जिसकी वजह से एक ऐसी कंपनी जो अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए एनवायरमेंट को एटलीस्ट गंदा नहीं करती। जितनी भी कॉस्मेटिक्स कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशंस की अगर हम बात करें, तो कुछ भी हो जाए, हम इसके अंदर किसी किस्म की हम प्लास्टिक माइक्रोबीड्स अपने स्क्रब्स में बिल्कुल भी यूज नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ नेचुरल एक्सफोलियंट्स को यूज करते हैं। पर्स करें फॉर एग्जांपल बादाम के शेल्स को बहुत अच्छे से फाइन तरीके से पीस कर हम आपके एक्सफोलियंट्स बनाते हैं, फ्रूट्स के सीड से बनाते हैं, और ताकि हम आपको बेहतरीन चीज दे दे सकें जो आपके लिए, ओशन के लिए, इंसानी जिंदगी के लिए बिल्कुल भी मुजर ना हो। जो मुझे याद है हम छोटे थे तो एक सेंट आइव्स का मुझे याद है एक स्क्रब आता था, एप्रिकॉट शायद, पता नहीं अब आता है कि नहीं आता है, उसमें प्लास्टिक टाइप के उसके अंदर वो होते थे एक्सफोलियंट्स, उसके जो माइक्रो बीड्स टाइप के थे वो इतने हार्श होते थे। अब हमें रियलाइज करता है जब मैं ओरिफ्लेम का पार्ट हूँ, और ओरिफ्लेम के
मैं जो बहुत सी चीजों में जो अगर मैं बात करती हूँ तो मैं हमेशा ऐसी चीज को पसंद करती हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा, इसको पसंद करने की वजह ये है कि ये सेफ है और हम सबको बेनिफिट हर तरह से देता है। आप कोई और प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि उसकी अगर बेशक वो अच्छी हो, मगर आप ये देखिए उसके हमारे एनवायरनमेंट पर, हमारे खरीदने के बाद हमारे एनवायरनमेंट पर कितने बुरे इफेक्ट्स आ सकते हैं अगर वो रिसाइकल नहीं होती, या उसको किसी एनिमल को उसमें लाना करे डाला हुआ, या कुछ भी फॉरेस्ट काटे में। सो वी शुड कॉन्ट्रीब्यूट ऑन आर ओन। हमें नेचर की जरूरत है, नेचर को हमारी जरूरत नहीं। और जो लोग नेचर के फ्लो पे चलते हैं वो हमेशा कामयाब रहते हैं, नेचर से अगेंस्ट ना चलें। नेचर अपने अंदर खुद तहफुज आपको देगी अगर आप नेचुरल वे में चलेंगे। फर्ज करें आपको धूप लगती है तो आप छांव में एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं, नेचर प्रोवाइड कर रही है, आप उस दरख्त को काट देते हैं, आप नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं और अपने लिए ज्यादती कर रहे हैं। हमारा दिल इतना नाजुक सा एक मसल है, अल्लाह पाक ने उसको पूरा एक रिब केज के अंदर बंद किया हुआ है, इतने स्ट्रॉन्ग हड्डियों के अंदर, एक जाल के अंदर वो छुपा हुआ है। हमारे पास दिमाग जो हमारा सारा काम करता है उसको एक खोपड़ी के अंदर छुपाया गया है। सो हर चीज को नेचर जब लेकर आती है, प्रोटेक्शन के साथ लेकर आती है, बेनिफिट्स के साथ लेकर आती है। हम नेचर से जब अगेंस्ट चीजों को करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, उन चॉइसेस को मेक करते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए, एनवायरमेंट के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए बुरी होती है, तो वी ऑल विल एंड अप इन अ डिजास्टर। ठीक है, आगे हमें बात करें कि हमारी सस्टेनेबिलिटी जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग चीज है। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि नेचुरल ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स को 100% हम यूज करते हैं, और जो है हम कोशिश करते हैं हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं वो सनलाइट जो है वो, जिसे सोलर आप कहते हैं, उस पर हम ये करते हैं। और आपके हम फेवरेट प्रोडक्ट्स को बहुत एहतियात, बहुत प्यार और बहुत नेचर के साथ लेकर आते हैं। इसमें एक साइट पर चीज लिखी हुई है, ये अगर आप पढ़ें, मेकिंग अ डिफरेंस। हम ट्राई कर रहे हैं कि अपनी प्रोडक्ट लाइन के साथ आप लोगों के लिए डिफरेंस लेकर आए। आगे हम चलते हैं जी, कल भी हमने इसकी थोड़ी सी बात की थी, आज फिर इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। हमारी पूरी इस कैटलॉग को जो 3 महीने की है, हर महीने ड्राइव करने के लिए, यानी कैटलॉग की प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के लिए, कैटलॉग से आप बाय करें उस पर हम कुछ गिफ्ट्स लेकर आएंगे। अगर आप कैटलॉग से सेल की इसमें बात नहीं हो रही, अगर आप कैटलॉग से कोई भी 2000 की परचेजिंग करते हैं तो आपको हर महीने एक नया गिफ्ट, एक नई चीज जो है आपको 40% ऑफर मिलती है। नाउ फॉर इंस्टेंस, इसको हम ड्रीम डील भी बोलते हैं, इसको कैटलॉग ड्राइवर भी बोलते हैं, इसके दो नाम है। ये अक्टूबर की ड्रीम डील है, इसमें लव नेचर का शैम्पू और कंडीशनर है। हम जितनी भी ड्रीम डील्स लेकर आते हैं बहुत हिकमत, बहुत दिमाग से लेकर आते हैं, क्योंकि आगे विंटर्स आ रही हैं और विंटर्स में नॉर्मल लोगों के बाल भी रूखे हो जाते हैं। प्लस विंटर्स में एक और कमाल चीज ये होती है कि हम लोग बहुत ज्यादा जो है ब्लो ड्राइंग और स्ट्रेटनिंग यूज कर रहे होते हैं, अदर देन हार्श वेदर, गर्म पानी से नहा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो मौसम ऐसा होता है, दूसरा शादियों और फेस्टिविटीज का सीजन होता है, तो इसमें हमारे बाल पूरे तरीके से डैमेज होते हैं। एक्चुअली ये तमाम चीजें हम विंटर्स में करते हैं और समर्स में हम कह रहे होते हैं हमारे बाल गिर रहे हैं, तो आप विंटर्स में वो तमाम हेयर वैक्स, हेयर स्प्रेस, हेयर डाइंग्स, हाइलाइट्स, डाई, सब कुछ हम विंटर्स में शादियों के लिए कर रहे होते हैं, फेस्टिविटी का मौसम होता है। So, उसके अंदर क्या होता है, जब जू ही समर स्टार्ट होती है तो बाल डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली हमने ये सब कुछ किया होता है। ओरिफ्लेम इज एक्सट्रीमली सेफ, आप आंख बंद करके इसकी प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। इट्स ऑल सेफ्टी ऑफ ह्यूमंस, नॉट द बिजनेस बिहाइंड, द आइडिया इज दिस। सो हम लव नेचर का ये जो शैम्पू और कंडीशनर लेकर आए, मैं बड़ी दफा नारियल के बारे में बात कर चुकी हूँ, खासतौर पर व्हेन इट कम्स टू बाल। ठीक है, तो बालों के लिए, स्किन के लिए मैं नारियल को कभी रिकमेंड नहीं करती हूँ, नॉट फॉर फेस बट यस फॉर हेयर। नारियल का जो है उसका जो एक मोलिकुलर स्ट्रक्चर है वो बहुत लाइट होता है,
और जो बालों की शाफ्ट होती है उसके अंदर बाहर से अगर कोई चीज अंदर जा सकती है तो वही जा सकती है जिसका स्ट्रक्चर लाइट हो. सो नारियल इज द ओनली ऑयल विच कैन गो इन साइड योर हेयर शाफ्ट. तो वो बालों को स्ट्रॉन्ग करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, ब्रेकेजेस कम करेगा, उसको नरिश करेगा और मॉइस्चर करेगा. सो ये जो हमारा लव नेचर का शैम्पू और कंडीशनर है ये आप जरूर यूज करें अलॉन्ग विद आप अपना जो 2000 का ऑर्डर करें साथ उसमें हॉट ऑयल लगा लें. हमारे पास हॉट ऑयल की बहुत ज्यादा लाइव एग्जांपल्स भी मौजूद है. ये बहुत जेंटली क्लेंस करता है आपके बालों को, ड्राइनेस को खत्म करता है और डैमेज नहीं होने देता. ड्राई बालों के लिए होता है, रफ बालों के लिए होता है. कंडीशनर जरूर अप्लाई करें और ये आपको बहुत जबरदस्त प्राइस पर इस अक्टूबर में मिल रहा है. जो ही हम नवम्बर को टच करेंगे तो नवम्बर के अंदर हमारी जो डील है वो चेंज हो जाएगी और वो डील है इवन आउट की नई ऑप्टिमल्स की. हमारी डे क्रीम है जो आपको बहुत अच्छे ऑफर मिलेगी 40+20 आपको एज अ कंसल्टेंट मींस 60% ऑफ पर आप चीजें ले रहे हैं विच इज नॉट एट ऑल अ बैड बाय. सिर्फ दिमाग से ऑफर्स करते हुए ऑर्डर करते हुए आपने देखना है ये 30+20 ये आपको 50% ऑफ पे मिल रही है, ये आपको 60% ऑफ पे मिल रही है. और जो थर्ड मंथ होगा जो दिसंबर का मंथ होगा उसके अंदर सॉरी दिसंबर में इवन आउट मिल रही है, नवंबर में आपको मिल्क एंड हनी की हमारी हैंड एंड बॉडी क्रीम मिल रही है. सो हर महीने अकॉर्डिंग टू द वेदर यू आर गेटिंग परफेक्ट प्रोडक्ट्स. ठीक है, आगे हम चलते हैं और देखते हैं आगे हमारे पास क्या मौजूद है. आगे हम बात करेंगे अपने कुछ मेकअप की. अच्छा, मेकअप पे आगे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, प्लीज यू कैन राइट, यू शुड राइट. सबसे पहले हम कैटेगराइज करते हैं ओरिफ्लेम कैटलॉग को. ओरिफ्लेम कैटलॉग के भी कुछ हिस्से हैं. ठीक है, थोड़ा मैथ्स हम पढ़ते हैं. मैथ्स में भी ज्योमेट्री होती है, एलजेब्रा होता है, सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ क्लासिफिकेशन. सेम हमारी अगर कैटलॉग की आप बात करें उसके चार मेजर हिस्से हैं. Now, number one हिस्सा is makeup, number two हिस्सा is skincare, number three हिस्सा is fragrances और number चार हिस्सा is toiletries. So बहुत से लोग हमारी कैटलॉग के फ्रंट पेज पर एक लड़की को देखकर यही अंदाजा लगाते हैं ये तो लड़कियों का काम है या ये तो मेकअप कंपनी है. ऐसा हरगिज नहीं है. आपने तो नॉर्मली भी देखे टायरों का एड होता है लड़की बनी होती है, सिगरेट का एड होता है लड़की बनी होती है. बिकॉज दिस इज अ सिंपलर वे ऑफ मार्केटिंग. अगर आप सिंपली भी देखें कॉल सेंटर्स के अंदर अगर हम बात करें या हम बात करते हैं आम ऑपरेटर्स की तो लोग लड़कों से ज्यादा लड़कियों को रखते हैं क्योंकि एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट होता है. लोग लड़कियों से बात फिर भी सुन लेते हैं. आप ये जो कार्ड वाले सेक्शन से क्रेडिट कार्ड से कॉल्स होती है ज्यादातर फीमेल्स होती हैं बिकॉज आदमियों में भी इतनी कर्टसी होती है कि वो औरतों की बात सुन लेते होते हैं. आदमी आदमी को कॉल करे वक्त से कहते हैं बस टाइम नहीं है. और ज्यादा अगर आप बिजनेस की बात करें तो आदमी बिजनेस माइंडेड होते हैं, आदमी घर को चला रहे होते हैं, आदमी सोर्सेज वाले होते हैं. इसलिए ये एक टेक्निक अपनाई जाती है. सो इट्स जस्ट अ टेक्निक कि इट्स अ फीमेल बाहर एक होती है, दैट्स इट. इसके अलावा इसकी कोई चीज नहीं होती. अच्छा, मैंने जिस तरह आपको बताया कि चार कैटेगरीज हैं कैटलॉग की तो मेकअप की भी तीन. अगर आपसे कोई भी पूछे कि आपकी कैटलॉग में कितनी कैटेगरीज है तो आप क्या कहेंगे? चार कैटेगरीज. चार कैटेगरी स्किन केयर, मेकअप, टॉयलेटरीज और फ्रेग्रेंसेस. एक्सेसरीज एक पांचवी कैटेगरी है और ओरिफ्लेम की, जिसके अंदर हमारे ब्रश आते हैं, हेयर ब्रशेस आते हैं, जिसके अंदर ट्वीजर आता है, जिसके अंदर जो है घड़ियां आ सकती है, जिसमें ब्रेसलेट्स आ सकते हैं, जिसके अंदर इस तरह की चीजें आ सकती हैं. एक और कैटेगरी जिसे हम वेलनेस बोलते हैं, जिसमें सप्लीमेंट्स आते हैं, वो ओरिफ्लेम की पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, ग्लोबली वो है. अच्छा, अब हम बात करते हैं मेकअप की. तो मेकअप को भी आगे हमने तीन हिस्सों में तकसीम किया. मेकअप के वो तीन हिस्से क्या है? नंबर वन इज ऑन कलर का मेकअप, नंबर टू इज द वन का मेकअप, नंबर थ्री इज जीजी का मेकअप. आप अक्सर बहुत से मेकअप्स देख रहे होते हैं, कोई सेल पर आया होता है, कोई सेल्स एक्शन पे आया होता है, कोई ऑफर में आया होता है, कोई डिस्काउंट पे आया होता है, कोई कैटलॉग में आया होता है. तो जब आप कभी कभी हैरान होते हैं कि यार मैं किस तरह से असॉर्टिंग करूँ, किसको क्या रिकमेंड करूँ, तो कैटलॉग के अंदर को समझ के अगर आप चलेंगे तो ऑन कलर का जो मेकअप है उसकी सबसे पहले आप और से पैकेजिंग देखें जो आपके सामने मौजूद है. ये हमारा ऑन कलर का मेकअप है. इसका एक कंसीलर है, इसका एक फाउंडेशन है जिसे आप पीच मी टाइप का एक कलर है, हल्का सा ऑन कलर का ग्लोइंग चीज है,
उसके अलावा इसका एक काजल मौजूद है, इसकी लिपस्टिक मौजूद है। अगर मैं ऑन कलर की बात करूं, उसकी एक हमारे पास ड्यूल पेंसिल आप आपको आगे चलकर नजर आएगी, पर यहाँ पे देखें ये व्हाइट और ब्लैक है। अच्छा आप ये मेकअप ऑल टुगेदर देखें, इट्स अ वेरी लाउड मेकअप काइंड ऑफ अ थिंग। लाइक मैं ये शायद सिल्वर पेंसिल और शायद ये अब जिंदगी में ना लगाऊं, शायद मैं अगर 18 टू 20 इयर्स की होती तो मैं शायद इसको जरूर लॉक करती। अच्छा ये क्या वजह है, इसकी क्या वजह है कि ये बोल्ड मेकअप है बहुत। अच्छा ये बोल्ड एंड यू नो वेरी फंकी सा मेकअप, अच्छा ये टीन एजर्स के लिए बहुत जबरदस्त मेकअप है और ट्रेंड सेटर्स होती भी टीन एजर्स हैं। तो लिखा हुआ है द ट्रेंड क्वीन, अगर आप ऊपर देखें गेट द लुक द ट्रेंड क्वीन, तो टीन एजर्स के लिए हमारा ऑन कलर का मेकअप है। इसकी प्लास्टिक की बोतल है, आप इजी टू कैरी है, गिरेगी टूटेगी नहीं। टीन एजर्स के पास नॉर्मली पॉकेट मनी होती है, थोड़े पैसे होते हैं, सो वो ऐसी एक्सपेंसिव ब्रांड्स या ऐसी चीजें नहीं यूज करती। टीनएजर्स केयरलेस होती हैं, कभी बोतल टूट गई कभी गिर गई, तो दिस इज वेरी इजी टू कैरी एवरीवेयर। कपड़ों के अंदर भी रख सकते हैं, लीकेज का भी प्रॉब्लम नहीं है, टूटने का भी प्रॉब्लम नहीं है, महंगी भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है ये हम टीनएजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आए। अच्छा इसके अंदर हमारे पास जितने कलर्स हैं, बहुत सी बड़ी एज की खवातीन भी यूज करती है, मगर इसका बेसिक विजन टीनएजर्स ही है, ये बताना मेरा आपको फर्ज है। इसकी आप लिपस्टिक देखें, इसकी छोटी-छोटी नेल पॉलिशेस देखें, इसके डैंडी डैंडी से कलर्स देखें, ये तमाम के तमाम रंग जो है ये बार बार निशानदेही करते हैं, बिकॉज ऑन कलर के आप ये देखिए इसके आय के पेंसिल्स देखें, ये मैं शायद सोच कर ही इस्तेमाल करूं, करने को शायद हान कोई नहीं है, मगर आप ये देखिए ये वाइब्रेंट कलर्स है। अच्छा ये तमाम चीजें जिनकी हमने पीछे भी बात की और यहाँ भी बात की, इनमें जो सबसे मजे की चीज मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि ये तमाम प्रोडक्ट्स, ये जो नीचे वाली पेंसिल्स हैं, ये आपको बड़े अच्छे डिस्काउंट पर मिल रही है 599 की, और इसके साथ 5 BP भी मौजूद हैं। सो BP को कल की क्लास में मैंने आपको बताया था बहुत गौर से देखना है, आपको 599 का भी 20% ऑफ मिल रहा है। हम कंसीलर की बात करें, ये भी ऑफ पर है, ये एक इसमें दो कलर्स मौजूद हैं, इसके 6 BP हैं, 679 का मौजूद है। कंसीलर क्या करता है, कंसीलर आपके अगर मुंह पर कुछ छाइयां, कोई दाने का निशान, कोई दाग, कोई धब्बा कुछ भी मौजूद है, ये फाउंडेशन से पहले लगाया जाता है या फाउंडेशन के बाद लगाया जाता है। सो ये चूंकि एक बेसिकली इस तरह का कंसीलर है जो एक क्या ऐसे बोलते हैं स्टिक टाइप की सूरत में मौजूद है, सो ये आप चाहे दोनों में से किसी एक तरीके से यूज कर सकते हैं, फोरहेड पे कहीं पर भी जहां आपको लगे आपका कोई निशान है, ये मेल्ट सा कर जाएगा आपकी स्किन के अंदर, आपके ब्लेमिशेस को फुली कवर कर जाएगा, बहुत इजी टू अप्लाई है और आप जो है इसको दिन में भी यूज कर सकते हैं, क्रीमी से इसका टेक्सचर है और आप इसे चाहें तो रात को भी यूज कर सकते हैं, बट नॉर्मली ये वो कवरेज देगा जो टीन एजर्स कवरेज है, ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं। ये हमारी ऑन कलर के ये 20% ऑफ पर हमारी जो है वो शेड्स मौजूद है, 14 शेड्स हैं। अब ये एक दो शेड्स नहीं है, 14 शेड्स हैं और ये 14 के 14 शेड्स हमारे लोगों के बहुत ही फेवरेट शेड्स है। आगे इस कैटलॉग के अंदर इतनी डिटेल में इसलिए दे रही हूँ बिकॉज आगे फेस्टिविटीज का सीजन है, शादियों का सीजन है, आपको भी चाहिए, आपकी कजनों में, बहनों में, दोस्तों में, इर्द गिर्द बहुत सी शादियां आ रही है ना। कल हमने बात की थी डील्स की, सबसे पहले देखें इसकी कितने बीपीज हैं, 6। क्या आप लोग इसकी कोई डील नहीं बना सकते, मतलब आप इसकी फाउंडेशन, आपको कंसीलर हर चीज ऑफ में मिल रही है, आप इसकी बहुत अच्छी सी डील भी बना सकते हैं। बहुत सी लड़कियां जो है वो काम कर रही होती हैं, बहुत सी लड़कियां शादियों में जा रही होती हैं तो उनको बहुत हैवी मेकअप नहीं चाहिए होता, तो उनको टीनेजर मेकअप एक किट चाहिए होती है, उनको क्या बनाकर टीनेजर मेकअप किट नहीं दे सकती। बहुत सी खवातीन के सलोन्स हैं, अब बेशक घर में सलोन्स हैं, बेशक बाहर सलोन्स हैं, और उनके सलोन्स में इंस्टीट्यूट हैं जिसमें वो लोगों को गाइड करते हैं, और जब आप इंस्टीट्यूट बनाते हो कोई ब्यूटी का तो उसके अंदर वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बाजार से लेकर आती हैं, आप कहते हो जी ये वाली ले आओ ये वाली ले आओ, उसकी जगह अगर आप उन्हें कहें कि आप एज एन ओनर आप मेंबर बनो
और खुद हो रही फिल्म की, और उनको एज अ टीम टीम अपने नीचे इनरोल करो। और आप मार्केट से भी तो ये चीजें लाने को कहते हैं जिस पर वो एप्लीकेशन करती है। तो अगर आपके पास टीम है जिसका एक ग्रुप मौजूद है, आप उन सबसे उन्हीं के कोड में परचेजिंग करवाइए, उनको 20% ऑफ दीजिए और खुद भी वो प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, वो खुद भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने कोड पर यूज करेंगे, मेंबर भी होंगी, उनको पॉइंट्स भी मिलेंगे, वो पॉइंट्स आपके पास भी आएंगे, और आप मार्केट ब्रांड की बजाय एक अपना ब्रांड प्रमोट कर रहे होंगे। ये क्रीमी टेक्सचर की लिपस्टिक्स हैं, बहुत आसानी से लग जाती हैं, हर तरह के ओकेजन पे लग सकती हैं, तो बहुत कंफर्टेबली यू कैन वेयर देम। सो वाइब्रेंट इनका पिगमेंट है, स्ट्रॉन्ग कलर्स हैं और क्रीमी कवरेज है। सो आप पॉइंट्स के साथ एक बड़ा ही जबरदस्त सेट्स बना सकती हैं। आप हम चेंज हो रहे हैं, अगले पेज पर आप जाते हो तो आपको पता लगता है हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो द वन का हमारा मेकअप है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमने मेकअप को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पिछले दिनों मुझे इतफाक हुआ एक जगह क्लास देने का, और वो ऑफिस में मैंने क्लास दी, और मैंने वहां पर काफी बड़ा ग्रुप ऑफ लोग बैठे थे, और मैंने उनसे ये पूछा कि जी ओरिफ्लेम की कितनी कैटेगरीज हैं। ट्रस्ट मी, दे वर नॉट एबल टू टेल मी कितनी कैटेगरीज हैं, इतने इतने वो पुराने लोग थे। फिर मैंने पूछा मेकअप में कितनी, पीपल वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, हमारी कैटलॉग इज डिवाइडेड इनटू 3 to 4 पार्ट्स, और हमारे हर पार्ट के आगे भी क्लासिफिकेशंस है। सो अब हमने बात की थी हमारी द वन के मेकअप की। द वन का मेकअप इज मोर प्रोफेशनल। अगर अब आप मॉडल को देखें, वो मेच्योर मॉडल है और बहुत प्रोफेशनल किस्म का मेकअप हुआ हुआ है, एंड इट इज काइंड ऑफ अ क्लासी मेकअप। प्लस अगेन बॉस, बॉस मींस नौकरी, ये वर्किंग फीमेल्स यूज कर सकती हैं, इवनिंग में आप यूज कर सकते हो। सो ये उस तरह की खवातीन के लिए बेस्ट मेकअप है। इसका ये पाउडर इज आउट क्लास। मैं आपको बता दूं, दवन का मैं पहले भी पाउडर यूज करती थी, मुझे बहुत पसंद था, तो बहुत अरसा है डिसकंटिन्यू हो गया ये वाला पाउडर। सो बहुत अरसे के मैंने इस दौरान में बहुत से पाउडर्स बड़े बड़े महंगे ब्रांड के यूज किए, और ट्रस्ट मी आई वाज नॉट एट ऑल हैप्पी। पैची लगता था, मुझे अपनी फाउंडेशन बड़ी गंदी लगनी शुरू हो गई। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोबारा वापस आ गया। इसमें हमारे पास, इस पाउडर के अंदर भी हमारे पास जो है वो बड़े जबरदस्त शेड्स हैं। अच्छा आप देखिए, ये जितनी भी हम प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं, हमने कोशिश की है बड़ी जबरदस्त, इनकी डिटेल मैं आगे में चल में इतके दूंगी, ये वर्किंग या शाम के इवेंट्स के लिए बड़ी जबरदस्त है। अब हम बात करते हैं इन शेड्स की, जो बेसिकली 10 नए शेड्स आए हैं हमारे पास द वन के। आप ये देखिए, ये आपको हमारा ऑन कलर का मेकअप भी डिस्काउंट पे मिल रहा है, जो यंग गर्ल्स या टीनेजर्स का है। आपको, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ओके, आपको हमारा ये वाला जो ऑन कलर का मेकअप, दवान का मेकअप है, ये भी डिस्काउंट पे मिल रहा है। अब आप सोचिए, कंपनी ये क्यों कर रही है? सोचें, कंपनी इसलिए कर रही है आप अपना बिजनेस एक्सपैंड करें, कंपनी उसको डिस्काउंट पर लेकर आई है आपके लिए। सो हमारे पास दवान का मेकअप भी डिस्काउंट पर, और क्यों लेकर आई है, ये अमेजिंग टाइम पीरियड है आपका इन प्रोडक्ट्स को यूज करने का, बिकॉज विंटर इज देयर, शादियां इज देयर, सालगिरह इज देयर, एनिवर्सरीज आर देयर। सो आप जो है इस मेकअप को जो है वो यूज कर सकती हैं। जी, तो ये 10 शेड मौजूद है मेरे 20% डिस्काउंट पर।
और आपको ये 40% डिस्काउंट पे मिलेंगे, और हर शेड पर आपको जो है बीपी, जो 9 बीपी हैं वो भी आपको मिल रहे हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट द बीपीज। इसके क्या बेनिफिट्स हैं? इसके 5 बेनिफिट्स हैं इस रेंज के। इसमें आपको बड़ी जबरदस्त रिच कलर्स हैं। अच्छा, आई हैव बॉट 5 ऑफ देम एंड आई हैव यूज्ड देम, और मैंने 2 जगह पे लगाए हैं, और उनका इतना जबरदस्त कवरेज है, इतनी अच्छा उनका जो है वो कलर है, मैं आपको नहीं बता सकती। और मैंने कैसे लगाए थे ये भी मैं आपको बताऊंगी। इसमें मैंने लिप लाइनर कौन सा ऐड किया था, दे वर फैबुलस, ठीक है। उसके अलावा इसका क्रीमी एक फिनिश है, और आपकी सबसे बड़ी बात, लिप्स को हाइड्रेट करता है, यानी ड्राई नहीं होने देता, ठीक है। नरिश भी कर रहा होता है साथ साथ, और लास्टिंग कलर। देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं आपको लिपस्टिक की बात बताऊं कि इस वक्त आप मार्केट के जितने भी ब्रांड्स यूज करते हो, आई एम नो वन टू से एनीथिंग, और आपको कोई कमेंट किसी ब्रांड पे नहीं करूंगी, मगर इस वक्त तकरीबन सारे मार्केट ब्रांड्स के अंदर किसी ना किसी जानवर की चर्बी, कोई लेड, कोई स्टीरॉइड चला हुआ है। मतलब आपको पता ही नहीं है सुअर की चर्बी, अल्लाह माफ करे, जिंदा जानवर की चर्बी है। तो लेट्स बी ऑनेस्ट, ओरिफ्लेम की जितनी भी लिपस्टिक्स हैं उसमें हम क्लेम करते हैं किसी किस्म का कोई किसी प्रोडक्ट में एनिमल फैट या एनिमल से कुछ नहीं हमने लिया हुआ। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम मुस्लिम मुल्कों को दे रहे हैं तो हम ये कर रहे हैं। आई विल नेवर से दैट। यस, इसका एक बहुत बड़ी वजह मैंने आपको शुरू में बताई है, हम नेचर की रिस्पेक्ट करते हैं, हम फॉरेस्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, हम एनवायरमेंट की रिस्पेक्ट करते हैं, हम जानवरों की रिस्पेक्ट करते हैं, हम एनिमल्स को अपने बिजनेस के लिए नहीं। जो कंपनी प्लांट्स को नहीं यूज करती अपने बिजनेस के लिए, दरख्तों को नहीं यूज करती अपने बिजनेस के लिए, वो एनिमल्स को कैसे यूज कर सकती है? तो ये सबसे बड़ा इसका रीजन हमारे पास मौजूद है। सो इसमें आर्गन ऑयल्स हैं, डिफरेंट और चीजें मौजूद हैं, तो आपकी ये सेहत के लिए आपके, क्योंकि देखिए जब हम लिपस्टिक जो है वो बाजार की हम यूज करते हैं, और देखिए हर इंसान एक लिपस्टिक ले सकता है, इट्स वेरी बहुत सस्ती, और हर कोई यूज करता है लिपस्टिक एज अ गिफ्ट, आप देते हैं, आप खुद यूज करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ लेड अगर आपकी लिपस्टिक के अंदर है, बहुत सी ऐसी लिपस्टिक्स होती हैं जो इतनी डार्क होती हैं कि जब आप उन्हें रिमूव करते हैं ना तो उनका निशान पीछे रह जाता है। और आपको पता है, मैं आपको एक सिंपल सा टेस्ट बता देती हूँ, आप घर बैठकर कर लीजिएगा। अगर आप ओरिफ्लेम की लिपस्टिक लें, आपके पास एक प्रॉपर प्योर गोल्ड की जो रिंग है, कुछ मिक्स ना हुआ हो, उसको आप अपनी लिपस्टिक के ऊपर रगड़ें, ठीक है, तो आपका वो कलर जो आपके हाथ पे लगा हुआ है लिपस्टिक का, किसी चीज पे हाथ पे लगाएं तो वो काला नहीं होगा। अगर आप मेडोरा, I'm sorry, I'm taking the name, या कोई भी स्ट्रॉन्ग ब्रांड, इवन हुदा ब्यूटी को भी लें और उसके ऊपर गोल्ड की रिंग डालें, वो काली हो जाएगी, इसलिए कि उसमें लेड का कंटेंट इतना ज्यादा है। लेड एक धात है, जब आप इसे लगाते हैं तो आप खा भी लेते हैं तो आपकी जिस्म के अंदर चली जाती है। हर तीसरी औरत को कैंसर क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस, दीज मेकअप ब्रांड्स वी आर यूजिंग, कि यार हिले ना, उतरे ना, बिल्कुल मैट हो जाए। मैं आपको कह रही हूँ ऐसा शिमर हो कि मैं पागल हो जाऊं, और ऐसा पिगमेंट हो कि दुनिया देखती रह जाए। ये तमाम चीजें बाकी दुनिया आपको देखती रह जाएगी, मगर उसके बाद जो आपकी, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम से ये चीजें आपकी स्किन के अंदर जा रहे हैं, और स्किन के अंदर वो कैंसर सेल्स तो हर एक के अंदर मौजूद है, वो उनको एक्टिवेट कर रहे होते हैं। तो प्लीज ऑलवेज रिमेंबर व्हाट आर यू यूजिंग, इट्स वन टाइम क्वालिटी। आप सस्ती चीज लेकर अपने आप को डैमेज करना चाहते हैं या फॉर लाइफ टाइम चीजों को यूज करना चाहते हैं? सो अल्हम्दुलिल्लाह प्राउडली आई यूज ओरिफ्लेम, मेरी बेटी है, मैं उसको देती हूँ अपने। व्हाई? बिकॉज आई ट्रस्ट द ब्रांड ब्लाइंडली। मैं ओरिफ्लेम स्वीडन की बात कर रही हूँ जहां से प्रोडक्ट आती है, मैंने इसकी खुद मैन्युफैक्चरिंग अपनी आंखों से देखी है, और मैं इसके अलावा किसी भी चीज को आंखें बंद करके किसी को नहीं बता सकती हूँ, बिकॉज आई नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे इन बेहतरीन लिप लाइनर्स की। अच्छा, मैं हमेशा से ना, जब मैं छोटी थी, मैंने जो लोग मुझे, मैं अक्सर इस बात के बारे में बात भी कर रही होती हूँ, जो लोग मुझे थोड़ा सा जानते हैं, आई हैव डन दिस लिपस्टिक टेस्ट, ओरिफ्लेम लिपस्टिक्स डिड नॉट चेंज द कलर आफ्टर रबिंग अ गुड। थैंक यू वेरी मच महम फॉर योर फीडबैक, बहुत शुक्रिया जी। महम अपना फीडबैक दे रही हैं कि जी मैंने बहुत सी मेडोरा और डिफरेंट लिपस्टिक्स को यूज किया, और मैंने हुदा ब्यूटी पे टेस्ट बाय द वे किया था, और उसका कलर ब्लैक हो गया था, और ओरिफ्लेम की किसी भी कैटेगरी का कलर ब्लैक नहीं हुआ था। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। अच्छा, मैं छोटी थी, मैं तब से ना, आई डोंट नो, मगर मैं, हम तब पीटी भी आता था, और हम, मैं देखा करती थी, मुझे याद है नूरजहां को, अब ज्यादा तो उस वक्त इतना एक्सपोजर नहीं था,
ये बिल्कुल मैं आपको सही बात बता रही हूँ, और ये बड़ी आई डोंट नो, तो मुझे इसका मेकअप बड़ा इंस्पायर करता था। उस वक्त मैं शायद हम छोटे थे, इतना कुछ भी नहीं पता था, वो आंखों में जिस तरह लगाती थी तब से ना, जाहिर उस वक्त तो हम मेकअप नहीं करते थे, मगर जब बड़ी हुई तो मुझे एक ही तरह का मेकअप समझ आया कि जी लिप लाइनर जरूर लगाना चाहिए लिपस्टिक के साथ, वो उसको एक लाइन देता है, डिफाइन करता है लिप्स को, और आपके अख्तियार में हो जाता है बड़े करें छोटे करें। तब से लेकर आज दिन तक मुझे लिप लाइनर तो लगाने की बीमारी जिसे कह सकते हैं। तो मैंने दुनिया में मेरे लिप लाइनर्स का बाय द वे स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो मैं अगर बिल्कुल ऑनेस्टली आपको ये बात बता रही हूँ, मैंने ओरी फ्लेम के ये दूसरे लिप लाइनर्स ट्राई किए हैं, ट्रस्ट मी, ऑसम ऑसम लिप लाइनर्स। ये नहीं कि आई एम टेलिंग यू दे आर न्यू तो आप यू, मैं आपको रिकमेंड करूंगी, जिस तरह चीजों की बाउंड्री बनाते हैं ना, तो आपके लिप्स की एक बड़ी डिफाइंड बाउंड्री होनी चाहिए। सो आप इसको ट्राई मेरे कहने पे करके देखिए, दे आर सो सॉफ्ट, ये बिल्कुल नहीं फैलते, दे आर पिगमेंटेड, और बड़ी लाइट सी लाइन है। एक तो मोटे लिप लाइनर्स होते हैं ना, बड़ी पतली सी, अच्छा मैं मोटे लिप लाइनर्स लगाती थी, मेरी बेटी ने मुझे बड़ी दफा कहा कि अम्मा चेंज योर मेकअप स्टाइल, जाहिर है बच्चे आजकल की जनरेशन, मगर यकीन कीजिए मैं जब से ये लगा रही हूँ, अभी 3-4 दिन ही हुए मैं लेकर आई हूँ, आई कैन नॉट फील के वो मुझे थिक वाली लाइनिंग पता चल रही है, दे आर रियली गुड। मैंने इसके 2 शेड्स ली है, बिकॉज मैं डार्क लिप लाइनर लगाती हूँ, एक रेड लिया और एक मैंने मरूनिश सा लिया है। सो आई विल सजेस्ट यू 30% ऑफ पर है। अब थोड़ा सा बिजनेस समझे मैम, मैंने लाइन अप किया हुआ है, लाइन इज वेरी गुड शाफिया, थैंक यू, जबरदस्त। अच्छा अब मैं आपको बिजनेस हम बना रहे हैं, हम बिजनेस की पहली कैटेगरी हमने टीनेजर्स का पूरा, यंग गर्ल्स को अपने के ढूंढे, उनको गिफ्ट सेट दें डिस्काउंट पर, उन्हें बताएं कि डिस्काउंट है, मैं उनको एक सेट बना के दें, जिस तरह एक सेट होता है सेट आप बनाएंगे, कल मैंने डील्स की बात की थी, डिस्काउंट आप बताएं डिस्काउंट में, उसको एक सेट की पिक्चर क्रिएट करें। नाउ दिस इज योर क्रिएटिविटी ना, उसी और उसी के साथ इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे, इसमें ये सेफ है, ये मेजर्स हैं, ये इंग्रेडिएंट्स हैं। इसी के साथ ही हम अगर दवान की बात करें तो आप पूरा सेट दवान का बना सकते हैं, उसकी लिपस्टिक्स हमारे पास हैं, इसके लिप लाइनर्स हमारे पास हैं, और ये सुबह की जो कॉन्ट्रोवर्शियल दवान की हमारी काजल पेंसिल है, ये भी हमारे पास मौजूद है, उनके मुझे मैं काजल नहीं यूज करती। सो ये मैंने इसको बहुत सर्च किया सुबह से, ये वाटर प्रूफ है, 16 घंटे आप इसको यूज कर सकते हैं, ये स्मच प्रूफ है, ये बिल्कुल नहीं फैलेगा, आप फैलाएंगे तो फैलेगा, ये फेड नहीं होगा, जैसा काला रंग लगाया है वैसा ही रहेगा, ठीक है। और जो टेस्ट एक होता है जिसके अंदर आंखों पर कितने घंटे लगाकर बहुत सी खवातीन ने इसको प्रूफ किया है कि ये आंखों को इरिटेट नहीं करता, ये जो कहा है क्लेम किया है वैसा ही है, सो उसका भी टेस्ट इस पे हुआ है। तो ये आप इसको लोगों को बहुत जबरदस्त 579 का, और अगेन इट हैज गॉट 5 BP इन इट, आप अपना बिजनेस डिजाइन कर रहे हैं। अच्छा सदफ, थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक, मैंने नहीं इसको बिल्कुल यूज किया बिकॉज आई डोंट यूज आईलाइनर्स, मगर इसको देख के मुझे टेम्पटेशन हो रही है कि आई शुड गेट इट एंड यूज इट, ये 20% ऑफ पे। अब आपका दूसरा सेट क्या बना, लिपस्टिक भी बन गया, लिप लाइनर भी हो गया, और आपके पास एक आईलाइनर भी बड़ा प्रो किस्म का आपके पास आ गया। अभी हमारी ये चीज खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगेन शादियों का सीजन है, दिमाग का सीजन है, बिजनेस का सीजन है। 20% ऑफ पर हमारे दोनों जो हैं पाउडर्स मौजूद हैं, और ये एक बड़ी जबरदस्त बाय हो सकती है, 1799 1439, आपको 1439 का भी 20% ऑफ, आपको बीपीज भी इसके बड़े ही अच्छे मिल रहे हैं, आपने अपना बिजनेस भी देखना है आप कैसे बिजनेस आगे लेके जा सकते हैं, इसके 13 BP भी आपको मिलेंगे। इसके 2 शेड्स हैं, एक लाइट और एक लाइट प्लस, अच्छा मैं नॉर्मली लाइट प्लस यूज करती हूँ, लाइट प्लस कम फेयर है, और मेरी बेटी लाइट यूज करती है, लाइट ज्यादा गोरे लोगों के लिए है। सो बीटिश टू बीटिश फेयर या बीटिश से थोड़ा सा एक साफ रंग के लिए आई थिंक इज लाइट प्लस, और जो फेयरर लोग होते हैं उनके लिए लाइट वाला मौजूद है, और दिस इज अमेजिंग, ये बहुत स्टेइंग है, मैं ये बहुत स्मूथ इसका एक टेक्सचर है ना, बहुत ही बड़ी जबरदस्त इसकी फेदर फिनिश टाइप की है, ये मीडियम कवरेज के लिए बड़ा जबरदस्त ऑयल को कंट्रोल करता है और आपकी बड़ी रेडियंस वाली स्किन दिखाता है। मैं नॉर्मली जब फाउंडेशन लगाती हूँ तो मेरी चूंकि बहुत ऑयली स्किन है तो मुझे मेरी ऑयली फिर भी रहती है और मुझे अपने पोर्स नजर आए, तो जाहिर है पोर्स का मैं हमेशा कहती हूँ दे आर नॉट विंडोज और डोर्स जिन्हें आप खोलें और बंद करें, आप उन्हें एज वाइज जाहिर है आपकी स्किन एक्सपैंड होती है, रियलिटी चेक लगाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो उसके साथ वो
पोर्स ज्यादा एक्सपांडेड नजर आएंगे, मगर जब मैं ये पाउडर लगाती हूँ यकीन करें मुझे क्लियर तरीके से विजिबिलिटी जबरदस्त सी एक लुक अपनी लगनी शुरू हो जाती है। ठीक है, आगे हम चलते हैं और आगे हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। आगे हमारी रेंज फिर चेंज हो गई, और से देखें आपको तीसरी रेंज में मेकअप की दिखा रही हूँ, विच इज जीजी जुडानी कोड। हमने ऑन कलर की बात की, हमने दवान की बात की, वर्किंग क्लास की, नॉट जीजी इज फॉर कौन, किन लोगों के लिए जीजी, ब्राइड्स के लिए जिनकी इंगेजमेंट्स है उनके लिए, पार्टी मेकअप के लिए, वेडिंग का रात का मेकअप है, शूट है, उन सब के लिए। अच्छा जी, जीजी की हमारे पास अब जो जो रेंजेस मौजूद हैं इसमें हमारे पास फाउंडेशन है, इसकी लिपस्टिक है, इसका ब्रॉन्जिंग पर्ल्स है, इसका मस्कारा है, इसका आईलाइनर है, काफी ज्यादा चीजें हमारे पास इसकी मौजूद हैं। और आपने इसको क्या क्या चीजें डिस्काउंट पर हैं, अगेन हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास इसके ब्रॉन्जिंग पर्ल्स मौजूद हैं, ये 20% ऑफ है। ब्रॉन्जिंग पर्ल्स में हमारे पास तीन शेड्स मौजूद हैं, हमारे पास एक शेड है इसका जो है वो बेसिकली बजरी वाली फ्लाइट चला दो। अच्छा जी, इसका जो हमारे पास थ्री शेड्स मौजूद हैं, एक हमारे पास इसका शेड मौजूद है जो है वो ब्रॉन्ज का है ना, जो ब्रॉन्ज वाला शेड है ये तमाम के तमाम वो कंटूरिंग के लिए यूज होते हैं जितने ब्राउन्स हैं, और बाकी के जो दोनों पिंक शेड्स हैं वो हमारे ब्लशर के तौर पर यूज हो सकते हैं। बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ वो इसका पाउडर बना देते हैं और पाउडर को ब्रश की मदद से लगाते हैं, और बहुत से लोग इन बॉल्स को वैसे ही रहने देते हैं और इनको वैसे लगाते हैं। 20% ऑफ पे मौजूद हैं और ये अमेजिंग किस्म का, दुनिया में आपने देखा कि दो तीन कलर्स के ब्लशेस को मिलाकर अब एक नई टेक्नोलॉजीज है ना, ऑल इन वन। कभी भी मेकअप भी आपको बताओ बेहतरीन फाउंडेशन वो होती है जो दो मिक्स करें, बेहतरीन आई शेड्स वो होते हैं जिसमें बहुत से कलर्स हों, बालों का शेड भी आपको हमेशा वो अच्छा लगेगा जिसमें दो तीन कलर्स मिक्स हो। ये मैं आपको सही बात बता रही हूँ। सो सेम इज द केस विद दीस ब्रॉन्जिंग पर्ल्स। अच्छा, ये हैंडमेड ब्रॉन्जिंग पर्ल्स हैं, हाथों से बनाए जाते हैं। वी आर वन ऑफ द पाइनियर्स जहां से ये ब्रॉन्जिंग पर्ल्स जब शुरू हुए तो वी स्टार्टेड देम। उसके अलावा हमारे इटली में बनाए जाते हैं ब्रॉन्जिंग पर्ल्स और वहां से यहाँ लाए जाते हैं। अगेन जो चीज हमने देखनी है इसके अंदर वो इसके बीपीज हैं, बीपीज नहीं भूलने, 26 बीपी हैं, 2879 का कस्टमर के लिए, और आपको 20% ऑफ पे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं तो अब हम सिंपल जो डिस्काउंट्स हैं उस पर आ रहे हैं। अब हमने रेंजेस थोड़ी सी बता दी, अब हम अपनी आईब्रोज की तरफ आ रहे हैं। ये बताने की बात भी है कि हमारे पास बहुत एक्सटेंसिव मेकअप है। लोग कहते हैं आपके पास वो मेकअप नहीं, ये मेकअप नहीं, बहुत एक्सटेंसिव मेकअप रेंज है। नेचुरली आपने अपनी आईब्रोज को कैसे फिनिश करना है, एक इसकी दो साइड्स हैं, टोन वन और टोन टू है। ठीक है, आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं, हाईलाइटर के तौर पर इसको नीचे लगाएंगे ताकि आपकी प्रोमिनेंट आईब्रोज, और आईब्रोज में ब्राउन कलर लगाएंगे। आईब्रोज को भी बनाने का एक प्रॉपर एक क्रिएट करने का तरीका होता है, आप उस तरीके पर अमल करके इसको यूज कर सकते हैं। टू इन वन पेंसिल है, 1719 की है, 7 बीपी है, 30% ऑफ पर कस्टमर के लिए, और आपके लिए मजीद ऑफर है। आगे हम पूरे मेकअप की बात करें तो हमारी रेगुलर कैटलॉग आ जाती है जिसपे आपको ऑफर सिर्फ 20% एज अ कंसल्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है, जिसमें हमारी जीजी की नंबर वन पर मौजूद है लिपस्टिक जिसमें 5 शेड्स मौजूद हैं, जिसके एक लिपस्टिक 19 बीपी की है। ये चूंकि हमारी लिपस्टिक के अंदर आर्गन ऑयल है, इसके अंदर SPF है, इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, इसलिए हमारा चूंकि सबसे प्रीमियम ब्रांड है इसलिए इसकी कीमत भी थोड़ी सी ज्यादा है। इसी तरीके से हम इसकी बात करें ये जुडानी गोल्ड के टिंटेड मॉइस्चराइजिंग पर्ल्स की, ये बेसिकली जो है ये क्या करते हैं, ये आप इन्हें हाथ, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, हाइलुरोनिक एसिड इज द बेस ऑफ योर स्किन को जो हाइड्रेट करती है, या आपका जिसमें मैं अगर आपको बताऊं कि हम लोगों की स्किन में जो कोलाजन है बेसिकली
That is all made up with hyaluronic acid. So hyaluronic acid in pearls के अंदर मौजूद है. आप इन्हें हाथ से तोड़ेंगे तो बिल्कुल टूट जाएंगे मलने के बाद. उसको आप मुंह पर डैब करें तो ये आपकी स्किन को बिल्कुल मैटिफाइंग कर देंगे और इसके ऊपर आप अपनी फाउंडेशन लगा सकते हैं और सब कुछ सेट कर सकते हैं. प्राइमर का बड़ा जबरदस्त काम करता है. पिछली कैटलॉग में डिस्काउंट्स पे थे, मैंने 2-3 ले लिए थे. ये ओरिफ्लेम की हमारी जीजी की लॉन्ग वेयर जो है वो एसपीएफ 15 के साथ मिनरल फाउंडेशन है. मिनरल फाउंडेशंस आर टू मच इन आजकल क्योंकि वो आपकी स्किन को ब्रीद करने की इजाजत देती है. इसमें 2 शेड्स मौजूद हैं और अगेन 24 वीपी हैं. हमारा जुड़ानी गोल्ड का आइकॉनिक ये मस्कारा है. फिर हमारे पास आईलाइनर है. फिर दमन के आईलाइनर्स हैं. इस तरह से मस्काराज हैं. वन ऑफ माय फेवरेट मस्कारा इज ऑन कलर. ऑन कलर भी इसके अंदर मौजूद है. इसके अलावा दमन की हमारे पास एवरलास्टिंग सिंक फाउंडेशन है. अच्छा इसमें एसपीएफ 30. अच्छा why do I like this foundation? एक तो इसका SPF बड़ा कमाल है, इसलिए I like it because I'm a big fan of sunblock. ठीक है, मैं sunblock लगाकर ऐसी foundation हमेशा लगाती हूँ जिसमें SPF हो. इसमें 5 शेड है और इसका सबसे बड़ा कमाल ये है कि वेदर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती है. आपको गर्मी सर्दी में अपनी फाउंडेशन बदलनी नहीं पड़ती. अगर सर्दी है तो ये मॉइस्चर कर देगी आपकी स्किन को, अगर गर्मी है तो वो मॉइस्चर कम करेगी और शाइन नहीं दिखाएगी. फिर कंटोरिंग किट आई गेस ये आउट ऑफ स्टॉक है, बट अगेन इट विल बी बैक. आपको पता है बाहर से प्रोडक्ट्स मंगाते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है. इसके अलावा हमारे पास ऑन कलर के पाउडर्स हैं और ऑन कलर के फाउंडेशन है. उसके अलावा मेकअप रिमूवर है, विच इज अमेजिंग अमेजिंग मेकअप रिमूवर स्पेशली फॉर योर आई एरिया के लिए बहुत अच्छा है. फिर हमारे पास प्राइमर है दवान का और इसके अलावा हमारे पास ऑन कलर के बहुत सी चीजें मौजूद हैं. अगर हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं तो जहाँ मैंने बात आपको की थी एक्सेसरीज की, तो ये आपको नजर आ राइट साइड पर बहुत से ये तमाम हमारी एक्सेसरीज के अंदर आते हैं. ठीक है, जो हमें मेकअप करने में हेल्प करती है. तो ये राइट साइड पे हर किस्म की एक्सेसरीज मौजूद हैं, जिसमें फाउंडेशन को लगाने का ब्रश है इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर हैंड्स. हाथों पे जर्म्स होते हैं, हाथ गंदे हो जाते हैं. यूज द ब्रश एंड वॉश इट, लाजमी वॉश इट एंड ड्राई इट एंड देन अगेन पुट इट बैक इन योर जहां भी आपने रखे हैं. मगर कोशिश करें जहां पर आपने ब्रशेस रखे उस जगह को कवर रखें. इसके अलावा एंगल्ड आईलाइनर ब्रश है. इसके अलावा एंगल्ड हमारे पास जो है वो ब्लश ऑन लगाने का ब्रश है. आईब्रोज पे हैं और इस तरह के बहुत से ब्रशेज हमारे पास मौजूद हैं. अगर आप नीचे आते हैं तो हमारे पास मैनीक्योर पूरी किट मौजूद है. इस तरह हमारे पास नेल पॉलिशेस मौजूद हैं. सो अगर आप गौर से देखें हमारी कैटलॉग को तो इसमें बहुत सी चीजें मौजूद है. अच्छा दिस इज द वन की कलर ये जो हमारी अनलिमिटेड अल्ट्रा पिक्स है मुझे बहुत पसंद है. इसका एक रेड कलर बहुत अच्छा है. मैं नॉर्मल अपने डे में जैसे जिम जाती हूँ कहीं जाती हूँ, आपको पता है आप मैं ऐसे तो कहीं भी नहीं जाती हूँ, तो आई यूज दिस द वन लिप स्पा लिप बाम. इसके 2 शेड्स हैं एंड वेरी नाइस शेड्स है. आपको हल्की सी लिपस्टिक दिखाते हैं अगर आप लिप लाइनर लगाकर इसको मर्ज करते हैं तो बड़ी अच्छी सी फ्रेश लुक आपकी आती है, ना ओवर होती है ना अंडर होती है. अब हम आगे आ गए अपनी स्किन की तरफ. जहाँ हम स्किन की बात करते हैं वहां हम बात करते हैं. अब मैंने आपको बता दिया 4 कैटेगरीज हैं कैटलॉग की. हम पहली हमने कर ली मेकअप. मेकअप में 3 कैटेगरीज ऑन कलर, टीनेजर्स, दवान, वर्किंग क्लास और जीजी bridal and all that stuff. अब हम आ गए हैं अपनी स्किन केयर के अंदर. स्किन केयर को भी हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है. अगेन ये जानना आपके लिए इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है. लोगों को कुछ नहीं पता, वो जो रीड करते हैं वो कह देते हैं ये ले लो ये ले लो ये दे दो ये ले लो. कल हमने बात की थी 200 वीपी कैसे करने हैं. आपकी एक्सपर्टीज आपको मास्टर बनाती है. नंबर 3 इसमें ब्रांड्स हैं. वन इज ऑप्टिमल्स, वन इज लव नेचर एंड वन इज नोवेज. बहुत से लोगों को समझ ही नहीं आती इतनी ज्यादा आपकी मेकअप है, इतना आपकी स्किन की वो क्लासिफिकेशन है. दे कैन नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द विजन बिहाइंड द ब्रांड. सो अगर हम बात करते हैं आज ऑप्टिमल्स की, तो ऑप्टिमल्स हमारी है परफॉर्मिंग रेंज. इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं ऑप्टिमल्स के साथ की हमारी परफॉर्मिंग रेंज. अगर मैं ट्रांसलेशन करूँ परफॉर्मिंग की तो इसका मतलब ये होता है वो प्रोडक्ट जो कारकर्दगी दिखाए. यानी इसके अंदर ऐसे कोई लाजमी चीज मौजूद है कारकर्दगी दिखाएगी. लव नेचर, बेसिक स्किन केयर, बेसिक बुनियादी, यानी टीन एजर्स की स्किन केयर. जो टीन एजर्स को कोई इश्यू नहीं होते, कभी टीन एजर्स के रिंकल्स देखे हैं आपने?
टीनेजर्स के आपने मुंह पे फ्रैकल्स तो नहीं देखे होंगे, अगर नेचुरली बाय बर्थ हो। उसके अलावा टीनेजर्स को बहुत ज्यादा इश्यूज ही नहीं होते हैं, ठीक है। सो टीनेजर्स की बेसिक स्किन केयर है जो लव नेचर है, परफॉर्मिंग स्किन केयर जो है हमारी ऑप्टिमल स्किन रेंज है, और हमारी एडवांस परफॉर्मिंग जदीद तरीन जो हमारी कारकर्दगी दिखाने वाली प्रोडक्ट लाइन है वो नूवेज है। ओके जी, हम आते हैं सबसे पहले ऑप्टिमल्स की तरफ। ये ऑप्टिमल्स की हमारी एज रिवाइव की रेंज है। अच्छा, ऑप्टिमल्स में भी हमारे पास बहुत सी रेंजेस हैं। अगेन उन सेट्स में भी जिस तरह हम स्किन केयर में तीन हमने इससे बताए हैं, तो ऑप्टिमल्स के अंदर भी हमारे पास बहुत सी रेंजेस हैं। कोई मैट मैटिफाइंग ऑप्टिमल्स है, कोई हमारा हाइड्रा का सेट है, कोई एंटी एजिंग सेट है। सो इस वक्त तो हमारे बहुत से बढ़ गए हैं, तो हम सबसे पहले बात करेंगे एज रिवाइव की। ये 35 प्लस वाला कोई भी शख्स यूज कर सकता है इसको। ऑल स्किन टाइप्स के लिए इसको यूज करने का मकसद क्या है, इसको यूज करने का मकसद रहता है ये एंटी एजिंग सेट है। इसमें मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इस रेंज के अंदर, जिसका नाम हमारा एज रिवाइव है जो एंटी एजिंग है। इसके अंदर सिल्वर बर्च मौजूद है जो बेसिकली अपेयरेंस ऑफ डार्क स्पॉट्स को कम करता है। ये पौधा है जो आपकी अपेयरेंस ऑफ डार्क स्पॉट्स को कम करता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आपके रिंकल्स को कम करने के लिए रेड करंट के नाम से एक प्रोडक्ट है। फिर सी बैकथॉर्न के अंदर विटामिन सी मौजूद है जो रेडियंस और बूस्ट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। लिंसीड ऑयल है जो ओमेगा 3 है जो नरिश और स्मूथ करती है आपकी स्किन को। अगर तो आपको अपने इंग्रेडिएंट्स बताएं, आप लोगों से ये इंग्रेडिएंट्स के यार इसमें मल्टीपल बेनिफिट्स मौजूद हैं और सिल्वर बर्च मौजूद है, रेड करंट मौजूद है, लिंसी, ये तमाम बातें आप करेंगे और इस बेस पर बात करके लोगों को बताएंगे कि दिस सेट हैज गॉट दीज यूनिक एबिलिटीज नेचर से निकाल कर, तो और आपकी रेडियंस यंगर लुकिंग स्किन होगी, तो वो तो शख्स आपसे जरूर रब्ता भी करेगा और प्रोडक्ट भी लेगा। मगर अगर आप ये चीज नहीं करेंगे तो आई एम श्योर कि लोग आपसे किसी किस्म का रब्ता नहीं करेंगे। अगर मैं इस रेंज की बात करूं तो इसमें हमारे पास, अच्छा जी ये भी देख लीजिए, ये एक बना हुआ है घड़ी, ठीक है, और इसके नीचे लिखा हुआ है लास्ट टाइम इन द कैटलॉग। लास्ट टाइम इन द कैटलॉग का मतलब ये होता है ये आखिरी दफा कैटलॉग में आपको नजर आएगी, इसके बाद ये रेंज नहीं होगी। तो ये रेंज कहाँ जाएगी? अगर तो हमारे स्टॉक में मौजूद होगी जनवरी वाली कैटलॉग में, अभी तो आपको मिलेगी, ठीक है, जब तक स्टॉक है। मगर जनवरी के अंदर ये रीस्टॉक नहीं करेंगे इस प्रोडक्ट को। अगर तो हमारे वेयर हाउस में लेफ्ट ओवर होगी तो आपको मिल जाएगी, अदरवाइज आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। 4 से 5 महीने की ब्रेक के बाद इसका एक नया वर्जन रीलॉन्च होगा जो बेटर वर्जन होगा, जो ज्यादा रिसर्च्ड और एडवांस होगा। 20% ऑफ पर है। इसकी दो प्रोडक्ट्स हैं, इसका सिरम है और इसकी नाइट क्रीम मौजूद है। और जो है ये बहुत आसान तरीका अप्लाई करने का, आप पहले सिरम लगाते हो, हमेशा पहले सिरम लगाते हो फिर आप नाइट या डे क्रीम लगाते हैं, ठीक है। ये टेलर्ड सोल्यूशन है आपका बेसिकली आपकी स्किन को क्यों रिंकल फ्री करने का। आगे हम चलते हैं तो न्यू आपको नजर आ रहा है। अब न्यू क्या है? इवन आउट। इवन आउट का आपने और मैंने, हम दोनों ने नाम सुना हुआ है। इवन आउट ओरिजिनल की एक ऐसी प्रोडक्ट है जो बेसिकली हम अनइवन स्किन टोन के लिए देते हैं। अच्छा, अनइवन एक बहुत बड़ा वर्ड है, अनइवन स्किन टोन। एक चीज होती है पिगमेंटेशन, एक चीज होती है फ्रैकल्स, एक होती है मेलाज्मा, एक हाइपर पिगमेंटेशन। ये तमाम चीजें एक दूसरे से तकरीबन फर्क होती हैं। तो आपको सबसे पहले, अगर मैं आपको पिगमेंटेशन की क्लास मैंने बड़ी दी है पास्ट में, तो पिगमेंटेशन को समझना बहुत जरूरी है, अनइवन स्किन टोन को समझना बहुत जरूरी है। इसमें येलो स्किन टोन भी आ जाती है, इसमें रेड स्किन टोन भी आ जाती है, इसमें ग्रे स्किन टोन भी आ जाती है, इसमें ब्राउन स्पॉट्स भी आ जाते हैं, इसमें पैचेस भी आ जाते हैं। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म, और हर इस तरह की जो बातें मैं आपसे इस वक्त कह रही हूँ, हर एक की वजह फर्क है, दानों का निशान फर्क है, पिगमेंटेशन और फ्रैकल बिल्कुल फर्क है, ठीक है। फ्रैकल्स बाय बर्थ होते हैं। आपने पठानों को देखा है जिनके लाल बाल और नीली आंखें होती हैं, उनको फ्रैकल्स होते हैं। आपने बहुत से पठानों को देखा होगा, बहुत से गोरों को होगा, उनको बाय बर्थ होती है, जेनेटिकली उनसे आ रही होती है। सो उनकी हमेशा आंखों में टिंज होगी, कलर्ड आंखों की फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा। नेटिव जो अमेरिकन है ना, बिल्कुल उनकी ऐसी स्किन होती है, हर गोरे के मुंह पर पिगमेंटेशन फ्रैकल्स नहीं होती। हाँ, वो कैसे पैदा करते हैं फ्रैकल? धूप में बैठ बैठ के।
एशिया, एशिया की जितनी भी पट्टी है उस पर जो चीज होती है वो हाइपर पिगमेंटेशन या पिगमेंटे हाइपर पिगमेंटेशन या मलाजमा होती है, बड़े बड़े पैचेस हो जाते हैं काले रंग के, एक धूप वजह है और एक फॉर्मूला क्रीम्स वजह है। एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन आपको कहाँ होती है, अक्सर औरतों को प्रेगनेंसी के पीरियड में और उसके बाद उनका जो आयरन लेवल कम हो गया, उनका फॉलिक एसिड कम हो गया, उनका हीमोग्लोबिन कम हो गया, उनकी डाइट नहीं अच्छी थी और इस तरह की चीजों की वजह से उनको होती है। इनको नॉर्मली जो पिगमेंटेशन होती है उस वो जिन लोगों के मुंह पर होती है उनको लेट एजेस के अंदर मेलास्मा हो सकता है। तो मेलास्मा को नॉर्मली कहते हैं मार्क ऑफ प्रेगनेंसी। जो लोग ध्यान नहीं करते और जिन लड़कियों पर टीन एजर्स में दाने निकलते हैं और मुख्तलिफ दवाइयां मुंह पे लगा रही होती है केमिकल बेस्ड और वो सनब्लॉक नहीं लगाती, उन सबके मुंह पे लेट एजेस के अंदर पिगमेंटेशन हो सकती है। मैंने बहुत मोटा सा आपको पिगमेंटेशन को बताने की कोशिश की है, बहुत मोटा, दो इट्स वेरी वास्ट सब्जेक्ट। बहुत सी औरतें जो होती हैं उनको हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से हो सकती है, बर्थ कंट्रोल पिल्स की वजह से हो सकती है, जेनेटिक रीजन एक हो सकता है, सूरज रीजन एक हो सकता है, हीट रीजन एक हो सकता है, स्ट्रेस रीजन एक हो सकता है, किसी दवाई का साइड इफेक्ट रीजन एक हो सकता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। आदमियों को कम और औरतों को ज्यादा पिगमेंटेशन होती है। अच्छा जी, ये हमारी ऑप्टिमल्स की जो इवन आउट है, ये नई ऑप्टिमल्स की इवन आउट, नई ऑप्टिमल्स की इवन आउट है और ये आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगी। कितने मजे की बात है, गूगल इसके पास भी बहुत ज्यादा नहीं है इसकी इंफॉर्मेशन। इसके अंदर ये बेसिकली आपकी स्किन को वो खाना देता है जिससे आपकी स्किन की रेडियंस इंप्रूव होती है, ये आपकी स्किन को इवन टोन करता है। ऑप्टिमल्स इवन आउट एक ऐसी कॉम्बिनेशन है जो बैलेंस करता है आपकी स्किन को और अपेयरेंस को। 2 हफ्तों के अंदर वो कहता है आपकी स्किन बेहतर होनी है, आपको खुद नजर आनी शुरू हो जाती है। इसमें 2 टेक्नोलॉजीज डाली गई हैं। आप अपने कस्टमर को कहें कि जी मेरे पास बड़ी अच्छी पिगमेंटेशन की दवाई है, मैं आपको दे दूंगी, और अगर आप उसमें उसके इंग्रेडिएंट्स के नाम दें, इसमें यूनिटोन मौजूद है, इसमें वाइटामिन सी प्लस सैलिसिलिक एसिड मौजूद है जो मेडोस्वीट से लिया गया है, तो उसका तासुर ही फर्क हो जाएगा। यूनिटोन एक ऐसी साइंस, देखें ओरिजिन की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो नेचर और साइंस के कॉम्बिनेशन से बनाई गई है, तो साइंस साइंटिफिकली हमने जो चीज इसमें यूज किया है वो है यूनिटोन, वो है यूनिटोन। वो क्या करती है, रिड्यूस करती है अपेयरेंस डार्क स्पॉट्स की, और जो वाइटामिन सी प्लस सैलिसिलिक एसिड है जो मेडोस्वीट से लिया गया है, ये हेल्प करती है आपकी स्किन को डार्क स्पॉट्स। अच्छा जी, मेडोस्वीट जो है ना उसके अंदर जो सैलिसिलिक एसिड मौजूद है, व्हाई दिस वन? नाउ नाउ द क्वेश्चन इज, वाइटामिन सी इज एन एंटीऑक्सीडेंट, इट इज ग्रेट फॉर यू नो यूनिफॉर्म करने में स्किन को, बहुत अच्छी चीज है वाइटामिन सी। अब हमने सैलिसिलिक एसिड की, इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस, सैलिसिलिक एसिड हमारी प्योर स्किन की रेंज के अंदर मौजूद है जो दानों को खत्म करता है, तो आप मुझे बताइए हमने इवन टोन के अंदर सैलिसिलिक एसिड क्यों यूज किया? कोई अपनी हिकमत से इसका जवाब देना पसंद करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। एनीवन? किसी को नहीं पता? जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी आवाज आ रही है मैम? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि शायद इस वजह से कि प्योर स्किन की रेंज लास्ट टाइम इन कैटलॉग थी, तो इस वजह से। नहीं, और एनीवन? ये इसका रीजन नहीं है, रीजन मैं आपको बिल्कुल बता ही दूंगी। अच्छा मैम, मुझे ये समझ में आई है कि आपने कहा था कि टीन एजेस में जो हैं गर्ल्स होती हैं वो उनके पिंपल्स वगैरह बहुत ज्यादा निकल रहे होते हैं, जब तो वो डिफरेंट वो यूज करती हैं, जब उनकी एज जब ज्यादा होती है तो तब जो है उसके असरात जो है वो निकल रहे होते हैं, पिगमेंटेशन हो रही होती है, तो मे बी जो है नेक्स्ट उनकी एज में 21 या उससे आगे जाके जो है वो शायद पिगमेंटेशन वो निकलती, तो इसलिए देन फिर सैलिसिलिक एसिड जो है वो उसमें डाला गया। नहीं मेरा बेटा, ये भी आंसर नहीं है। दो, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द आंसर, इट्स अ बीएचए रिमूव्स रेड स्किन, यस ओके। अब मजे की बात है, थैंक यू वेरी मच महम, बट नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन। अच्छा जी, हमारी जितनी भी स्किन केयर की रेंजेस हैं उसमें 2 तरह की हमारी स्किन प्रोड्यूस करती है, हमारी अपनी स्किन प्रोड्यूस करती है 2 तरह की चीजें। एक होता है एएचए और एक केमिकल होता है बीएचए।
AHA का मतलब है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड और BHA का मतलब है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। अच्छा AHA जो होते हैं वो नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लोग यूज करते हैं, वो माइल्ड एक्सफोलिएंट्स होते हैं। नाउ हमारी स्किन, गौर से सुनिएगा, हर उच्च टाइम के बाद रिमूव होती है, हर इंसान की होती है, यंग गर्ल्स की 16 से 20 24 दिनों के अंदर रिमूव होती है डेड स्किन और नहीं आ जाती है। मगर जून जो आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपकी स्किन रिमूव होनी कम हो जाती, लेट हो जाती, कम नहीं होती, लेट हो जाती है, यानी डेड सेल्स इतनी आसानी से रिमूव नहीं होते, आपके मुंह के ऊपर ही गिर जाते हैं या वो रिमूव नहीं होते, तो जब वो रिमूव नहीं होते तो नए बेबी सेल्स स्किन के नहीं बनते। गौर से सुनिएगा, बहुत से लोग 30 प्लस पे या उससे पहले स्क्रब लगा लगा के पागल हो जाते हैं कि आपकी डेड स्किन उतरे। स्क्रब 30 इयर्स से पहले तक तो थोड़ा बहुत मैं मान सकती हूँ, 30 के बाद आपने पील्स लगाने होते हैं। पील क्या करते हैं, आपकी स्किन को केमिकल होता है जो ओरिफ्लेम का, नोविच का एक पील भी मौजूद है जो AHA और BHA वाला है, वो आपकी स्किन को आहिस्ता से ना सरफेस को रिमूव करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है और नई स्किन आ जाती है। ये तो पील्स का काम है केमिकली। अब हमने बात की कि इसके अंदर मौजूद है विटामिन सी और सैलिसिलिक एसिड फ्रॉम मेडोस्वीट। अब व्हाट इज द डिफरेंस, सैलिसिलिक एसिड को हमारी प्योर स्किन की रेंज में भी मौजूद है मगर उसके आगे मेडोस्वीट नहीं लिखा। सैलिसिलिक एसिड दो तरह के होते हैं, बेसिकली सैलिसिलिक एसिड दुनिया में एक ही BHA होता है। BHA मीन सैलिसिलिक एसिड जो पिंपल्स के रिमूवल के लिए दिया जाता है, मगर उसकी सोर्सेज बहुत ज्यादा है। सैलिसिलिक एसिड की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत ज्यादा सोर्सेज है। अच्छा जो पिंपल्स को रिमूव करने के लिए सैलिसिलिक एसिड दिया जाता है ना, वो क्या करता है, वो आपकी स्किन को रेड करता है, वो हार्श होता है, वो रेडनेस की तरफ लेके जाता है। मगर जो मेडोस्वीट से निकाला गया है वो भी जेंटली रिमूव करता है, मगर वो स्किन पील करके आपकी काली स्किन जेंटली उतारता है, लाल नहीं उसको करता, उसको रेडनेस की तरफ नहीं लेके जाता, उसको हार्श नहीं करता, उसको इरिटेट नहीं करता। नॉर्मली जो आपने देखा है, आप जब स्किन केयर की पिंपल्स के लिए दवाइयां लगाते हैं, इवन नोविच का जो हमारा दानों को मारने वाला वो जो एक ट्यूब है, मैंने उसको जब जब लगाया मेरी स्किन रेड हुई है और छिली है, उतरी है, मतलब मुझे इचिंग हुई है। ये आपको इचिंग नहीं करेगा, ठीक है? तो ये आपको एज अ ब्रांड पार्टनर बातें पता होनी बहुत जरूरी है। नहीं जी, रिन्यूइंग, हाँ, पील ऑफ मास्क उतार सकते हैं, धो सकते हैं नोविच का, ठीक है। सो अब आपको समझ आई कि ये क्यों मेडोस्वीट उन्होंने लिखा है, बिकॉज ये इरिटेंट नहीं है, ये वो वाला है और ये आपकी स्किन को जो है वो आराम से उतार देगा, जेंटली पील करेगा और आपको इचिंग नहीं करेगा। इसकी चार प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, इसमें एक इसका सिरम है, इसकी डे नाइट क्रीम है और आई क्रीम मौजूद है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सिरम लगाते हैं मुंह पर। सिरम क्या होता है, हमारी जो क्रीम होती है ना वो बहुत हमारी स्किन के अंदर जाने की उसमें ताकत नहीं होती ना, आप लगाते हैं, हमने अपने अंदर से पिगमेंटेशन निकाली, ऊपर की सरफेस पे कुछ भी नहीं है, आप रगड़ रगड़ के भी पागल हो जाएंगे ना, आपकी सेकंड लेयर पर जाकर बैठी होती है पिगमेंटेशन, जो मेलनिन या मेलनोसाइटस एक उसकी ओवर प्रोडक्शन की वजह से एक सेल है जो हमारी स्किन के नीचे गदूद है, ग्लैंड है, जिसको मेलनिन बोला जाता है। जब वो ज्यादा प्रोडक्शन अपनी शुरू कर देते हैं जिससे आपकी स्किन जो है वो मेलनिन ज्यादा प्रोड्यूस करती है और काली नजर आती है। देखिए स्किन अपना काम ठीक करती है, जब आप हीट में जाते हैं वो आपकी सेहत और जिंदगी बचाने के लिए, आपको कैंसर से बचाने के लिए एक चीज प्रोड्यूस करती है सेकेंड लेयर पर ग्लैंड, जिसको मेलनिन बोला जाता है, वो तो अपना काम ठीक कर रही है। प्रॉब्लम कहाँ गलत हुई है, वो आपको बचा रही है, आपने नहीं अपने आप को बचाया, सनब्लॉक नहीं लगाया, ठीक है? तो वो क्या होता है, जब वो ग्लैंड्स एक खास हीट में जाने से बार बार वो हो जाते हैं, ऑटो पे चले जाते हैं, वो सारा वक्त उन्हें डेंजर रहना शुरू हो जाता है कि इसकी स्किन को खतरा है, वो आपके मुंह पर काले रंग की सूरत में बैठ जाते हैं, जिसको रिवर्स करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो उसको सिर्फ केयर की जा सकती है, तो उसकी ये प्रोडक्ट्स मौजूद है। सबसे पहले आप स्किन की अंदर मेलनोसाइटस सेकेंड लेयर पर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए आप लगाओगे सिरम, आप लगाओगे सिरम। सिरम इज वेरी लेस मॉइस्चर और बहुत इजीली वो आपकी स्किन की सेकेंड लेयर के अंदर चला जाता है, इनके वो बहुत ही बड़ा मुलायम और नाजुक तरीके से बनाया गया है। आपने एक मटर के दाने के बराबर प्रोडक्ट लेनी है या थोड़ी ज्यादा लेनी है, पूरे मुंह पे आप लगाएंगे सिरम, पूरे मुंह पे, वो पेनिट्रेट करके सेकेंड लेयर पे पहुंच जाएगा। जब रात होगी तो सिर्फ छाइयों के ऊपर आपने नाइट क्रीम लगानी है,
करनी है, रिमेम्बर दैट, नॉट ऑन योर होल फेस। जब दिन होगी तो छाइयों के ऊपर आपने डे क्रीम लगानी है, और आपने आंखों के नीचे अपनी ये वाली लगानी है फॉर डार्क आईज एंड ऑल दैट। ठीक है, यहां तक मेरी बात आपको क्लियर हो गई? ठीक है, तो इसके अंदर अकॉर्डिंग टू न्यू इंग्रीडियंट्स वी कैन गिव इवन आउट टू ऑयली स्किन टाइप्स। यस आई थिंक सो यू कैन। देखें कुछ चीजों के रिव्यूज, दो आई हैव गॉन थ्रू द रिव्यू द इंग्रीडियंट्स एज वेल, इसमें भी विटामिन ई मौजूद है। आई हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग, इसमें विटामिन ई भी मौजूद है। इसके सिरम में है कि किसी चीज में विटामिन ई डाली गई है, नाइट क्रीम में, डे क्रीम में, बट यू कैन गिव। मुझे लगता है दिस इज अ मोर बेटर वर्जन, मोर सेफर वर्जन, और सस्ती बहुत है। आप ये देखें 2000 की अगर प्रोडक्ट है आपको 20% ऑफ में मिल रही है, आपको इसके इतने पीपल मिल रहे हैं, मेक इट अ सेट, कंबाइन इट। आप देखिए पॉइंट्स, कल मैंने बात पॉइंटों की करने की कोशिश की है, आप इसको बताएं स्टेप वन क्या है, स्टेप टू क्या है, स्टेप थ्री क्या है, स्टेप फोर आपकी क्या है, उस हिसाब से दीजिएगा। पूरे मुंह पर डे और नाइट क्रीम नहीं लगाना। ओके जी, आगे हम चल रहे हैं। हमारे पास ऑप्टिमल्स की एक और बड़ी ही अमेजिंग रेंज आई है। अच्छा, और मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी विटामिन सी को स्टेबल भी विटामिन ई ही करती है, ये मैं आपको बता दूं। मगर चूंकि इसमें और ऐसे मजे के इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं कि मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला इट विल ब्लेंड वेरी वेल। ओके जी, मैम जी मलाजमा के लिए क्या सेट यूज कर सकते हैं? शनाज, नॉर्मल स्किन के लिए सबसे पहले आप मुझे पिक्चर भेजेंगी पर्सनली आफ्टर द क्लास, फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि हम क्या इसको देंगे। अच्छा जी, हमारे पास ये डीप क्लिंजिंग जेल आया है, इसका इसके तीन प्रोडक्ट्स हैं, कल मैंने इसका एक रिव्यू भी देने की आप लोगों को कोशिश की है। इसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताई है। ये बेसिकली डीप क्लेंजर है और इसके अंदर भी बहुत से इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जिसमें विटामिन सी है, जिसमें नाइसिनमाइड है, इसके अंदर स्ट्रॉबेरी से निकला हुआ विटामिन सी है, विच इज अ सुपर हीरो अगेन, जो आपकी स्किन के निशानों को खत्म करेगा, ये पिगमेंटेशन को खत्म करेगा, ये आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगा। नाइसिनमाइड आपको फेयर भी करता है, आपके रंग को साफ करता है, ब्राइट करता है। सो एल्कोहल ये फ्री है, इसके अंदर बहुत से इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, जो आपके इसमें बादाम मौजूद हैं, जो विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है, अगेन वो आपकी स्किन को हेल्दी दिखाते हैं। इसमें ग्लिसरीन मौजूद है जो बाइंड करती है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड मौजूद है विच इज द मेन यूथ का आपका सेल है। सो ये तीन चीजें मैं इसकी दो यूज कर रही हूँ, मैं टोनर नहीं फिलहाल यूज कर रही हूँ, बट आई एम लविंग इट। अच्छा एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, आई डोंट नो बट आई एम जस्ट डूइंग एन एक्सपेरिमेंट फॉर यू गाइस। आई एम अ प्योर स्किन का जो फेस वॉश है ना, मैं वो यूज करती हूँ। ठीक है, तो प्योर स्किन की रेंज खत्म कर दी गई इस कैटलॉग से, आप सब प्लीज ये बात समझ लीजिए, प्योर स्किन अब आपको नहीं मिलेगा और किसी से मत लीजिए। प्योर स्किन की जगह आप इसका एक मिनट, इसका ये वाली जो आपकी है ना डीप क्लेंजिंग जेल दीजिए। अगर 20-30 की रेंज है एज की, इसका टोनर और इसका ये जेल दीजिए। अगर उससे थोड़ी ज्यादा 30+ पे रेंज है तो आप इसका क्रीमी क्लेंजर दीजिए। करके देखिए, मैं क्रीमी क्लेंजर और डीप क्लेंजर को दोनों को यूज कर रही हूँ एक साथ। मैं अपना फीडबैक दे रही हूँ और इट हैज बीन 2-3 days जब मैं ऑफिस गई थी, मैं प्रोडक्ट लाइन लेकर आई हूँ एंड आई एम लाइकिंग इट। मैं अगर अपना बताऊँ, मुझे अच्छा लग रही है। सो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप इस रेंज को यूज करने की कोशिश कीजिए। अच्छा जी, अब हम आगे आ गए ऑप्टिमल्स अर्बन गार्ड, इसकी भी मैं एक प्रोडक्ट लेकर आऊंगी। अच्छा, ये जो है ना, जितने लोग शहरों में रहते हैं तो शहरों में रहने के बहुत से फायदे और बहुत से नुकसान आते हैं। सबसे बड़ी बात, पोल्यूशन इज एवरीवेयर, इतनी ज्यादा पोल्यूशन हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। अच्छा, पोल्यूशन और फ्री रेडिकल्स हमारी स्किन को बुरी तरह डैमेज करते हैं। एक वक्त था कि हमारे पेरेंट्स को वो वाली स्किन के प्रॉब्लम्स वो जब सुनते हैं कि अब आजकल के बच्चों को है, वो मानते नहीं, वो कहते तुम लोग छेड़ते हो, तुम ये करते हो। एक्चुअली अब आपकी एनवायरमेंट, आपका पानी, आपका खाना, आपकी सब्जी, आपका फल, आपकी प्रोडक्ट लाइन इतनी मिलावट वाली हो चुकी है कि आप बच ही नहीं सकते हैं, और आपकी स्किन पर ही जाहिर है ना, आपकी स्किन, बालों, इन्हीं चीजों पर निकलेगी। तो हमने अपनी स्किन को मॉइस्चर भी रखना है और पोल्यूशन के अगेंस्ट एक बैरियर भी खड़ा करना है। ठीक है, तो ये जो हमारी लाइन मौजूद है, ये स्पेशली आपकी स्किन का बैरियर स्ट्रॉन्ग करने के लिए लाई गई है। इसमें अर्बन 3D रेस्क्यू एक टेक्नोलॉजी डाली गई है, और इसके बाद पॉलीफेनॉल्स और फ्रॉम नॉर्डिक सोर्स से निकाले गए। अच्छा, पॉलीफेनॉल्स क्या होते हैं? पॉलीफेनॉल्स बेसिकली काम ऐसा करते हैं, दे आर वेरी गुड फॉर योर स्किन,
स्किन का डार्क टोन पिगमेंटेशन इन चीजों को कम करता है। हमारे फूड में भी बहुत सी ऐसे बीन्स और ग्रीन एप्पल्स और नाशपाती और बहुत सी चीजों में पॉलीफिनोल्स मौजूद है। एक टाइम था जब मैंने रिसर्च की थी पिगमेंटेशन पे, तो मुझे पता लगा था कि पॉलीफिनोल्स अगर आप ये चीजें खानी शुरू करते हैं ना, तो आपकी स्किन को के मिलाज्मा को बहुत हद तक ना कंट्रोल में लेकर आते हैं। सो ये आपकी स्किन के बैरियर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जो हमारी स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना, इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारा जो रेडनेस है, ऐसी चीजें होती है, उनको काम डाउन भी करने के काम आते हैं। सो ये जो हमारी 3D की एंटी पोल्यूशन स्किन केयर की रेंज है, ये बेसिकली क्या करती है कि अगर सूरज की वजह से, हमारी रेज की वजह से हमारी जो और जो पोल्यूशन हो गई हर जगह, ये आपकी स्किन को दिन और रात को, इंडोर और आउटडोर बोथ वेज में आपकी स्किन को गार्ड करती है। ठीक है, आप कहीं पे भी रहते हो, सिटी में रहते हो, कंट्री लाइफ स्टाइल में रहते हो, आप अपनी स्किन को हेल्दी, यंगर और पोल्यूशन से बचा के रख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर 3 तरह के इंग्रीडियंट्स डाले गए हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया है। इसके 3 मेजर इंग्रीडियंट्स है, अर्बन 3 रेस्क्यू पॉलीफिनोल्स, और इसमें एक पॉली प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी डाली गई है जो आपकी स्किन के बैरियर को प्रोटेक्ट करती है। ये तीनों मिलकर इस रेंज को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर रेंज बनाते हैं, हेल्दियर रेंज बनाते हैं, जिससे आपकी स्किन के बैरियर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ये बड़ा जबरदस्त बैलेंस है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं, 25% ऑफ पर है। अगेन पॉइंट्स को, डिस्काउंट को जहन में रखिए। ब्राइड्स टू बी को सेट मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता? अगर वो अपनी 6 महीने शादी को है, तो 6 में से 3 महीने ये उसकी करें, फिर 3 महीने के बाद में एक और सेट बताऊंगी, वो आप उसको दें, साथ उनको मेकअप दें ऑन कलर का, दवान का। टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स को उनकी प्रोडक्ट्स दें, टीनेजर्स को क्लेंजर्स दें। देखें, तो ये हमारा बिजनेस है, झूठ नहीं बोलना, ये मैं हमेशा कहूंगी, लोगों को हाथ नहीं लगाने, मगर ऑनेस्टी के साथ सही प्रोडक्ट जरूर रिकमेंड करें। अच्छा जी, इसमें एक इसका मैं मिस्ट लेकर आई थी और एक फेस वॉश लेकर आई थी, अभी रुकें, एक मिस्ट लेकर आई थी और एक में इसका फेस वॉश लेकर आई थी। अच्छा, मिस्ट इस के अंदर क्या है? हाइलुरोनिक एसिड। देखिए, हाइलुरोनिक एसिड इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। मुझे एक मिनट दीजिए। हाँ जी, कभी गंदे आना है, कभी गंदे नहीं आना, मगर आप इसका कोई या तो हल निकाल लें। ओके जी, सॉरी। अच्छा जी, इसके अंदर जो है वो बेसिकली, हम इसकी बात करें रेंज की, तो थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी आपके साथ कर लूँ। इसकी रेंज के अंदर भी काफी ज्यादा चीजें मौजूद हैं। इसका जो मिस्ट्रेस में हाइलुरोनिक, मैंने आपको बताया था, जो लोग बोटॉक्स करवाते हैं और जो लोग फिलर्स करवाते हैं ना, जो 50-50, 60-60 हज़ार रुपए, क्या आपको पता है उसके अंदर क्या मौजूद होता है? उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड मौजूद होता है, जो आप इंजेक्टेबल फॉर्म में अपनी स्किन के अंदर लगाते हैं, और वो थोड़ी देर के बाद वो जो हाइलुरोनिक एसिड है, वो आपकी स्किन के जो आपके रिंकल्स हैं, उनको फिल आउट कर देता है फॉर अ शॉर्टर टाइम पीरियड। बोटॉक्स 3 to 4 months या 6 months, और फिलर शायद आई थिंक 1 year or so। तो एक इसमें पर्पलिश कलर का भी होगा शामिल ना। सो ये चीजें इस पूरी रेंज के अंदर मौजूद है, इसी में कपड़ा पड़ा होगा, इस पूरी रेंज के अंदर मौजूद है। इसका ये मिस्ट है, मैं नॉर्मली इस मिस्ट को, आई लाइक स्प्रेइंग इट आफ्टर वज़ू और समथिंग, इफ आई एम नॉट अप्लाइंग एनीथिंग टू अपनी स्किन के बैरियर को मजबूत करने के लिए। ये इसका 3D का फेस वॉश, आई हैव बॉट इट, बट आफ्टर यूजिंग दैट रेंज आई विल ट्राई इट। इसकी डे और नाइट की क्रीम्स भी मौजूद है, और इसका एक जो मुझसे मिस आउट हो गया, वो उसका ये सिरम है। ठीक है, ये सिरम भी बहुत ही अमेजिंग है,
और ये सीरम भी आप इसको सीरम और इसको भी यूज कर सकते हैं, एंड में भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं मैम, स्किन टाइप, और कोई भी इसको यूज कर सकता है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। इसका पर्पस फर्क है, देखें पर्पस टू पर्पस में, पहली जो रेंज मैंने ऑप्टिमल्स की बचाया बताई है वो इवन आउट की है, दूसरी रेंज जो बताई है वो क्लिनजिंग की है, तीसरी रेंज जो मैंने आपको बताई है ये एंटी पोल्यूशन है, टू मेक योर बैरियर स्ट्रॉन्ग, एनीवन कैन यूज इट टू मेक द बैरियर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये सिटी स्ट्रेस को कम करने के लिए इसकी पूरी रेंज मौजूद है, ठीक है, ये सारी ऑफ पे मौजूद है ये आपने। अच्छा अब हम आते हैं अपनी टॉप क्लास लॉन्च की तरफ जो बहुत ही खामोशी से हो गई। ओरिफ्लेम की अगर बहुत से लोगों ने नोटिस किया हो तो हमारे पास नोविच का ब्राइट सबलाइम खत्म हो गया, तो ब्राइट सबलाइम खत्म हो गया तो अब हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास मौजूद है ओरिफ्लेम का एक नई रेंज विच इज कॉल्ड नोविच ब्रिलियंस। इसने रिप्लेस किया ब्राइट सबलाइम को। इसमें तीन मेजर इंग्रीडियंट्स मौजूद है जिसमें स्किन टोन रेगुलेट, इनको फिर लगा के बता दो, स्किन केयर रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी मौजूद है इसमें, रिब बर्थ प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट मौजूद है, और एक्वा बैंक मॉइस्चर स्ट्रैटेजी मौजूद है। अच्छा स्किन टोन रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी क्या है, ये बेसिकली आपकी मेलेनिन की प्रोडक्शन जो सेकेंड लेयर पर जाकर होती है उसकी प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए अच्छा है, इम्प्रूव करता है स्किन टोन को और डिस्कलरेशन को। यहाँ पर डिस्कलरेशन से मुराद लाल रंग, काला रंग, ग्रे रंग, ब्लैक रंग, सारे रंग मौजूद हैं, ठीक है। आपकी स्वेलिंग को भी कंट्रोल करता है, आपकी इंफ्लेमेशन को भी कंट्रोल करता है। इसका रिबर्थ प्लांट स्टेम टेक्नोलॉजी क्या करता है, ये इफेक्ट करता है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, या एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपकी स्ट्रेस जो स्किन होती है ना, जिसकी वजह से स्ट्रेस की वजह से डिस्कलरेशन होती है, उसको काम डाउन करता है। बेसिकली ये जो प्लांट है इसका काम ही होता है काम डाउन करना, उसको स्लो डाउन करना, इरिटेंट ना करना, ठीक है। एक्वा बैंक मॉइस्चर ये आपको बेसिकली मैक्सिमम हाइड्रेशन देता है आपकी स्किन को जो उसको जरूरत है, और आपको फेयर कॉम्प्लेक्शन भी दे रहा होता है। ये बहुत ही हमारी अच्छी रेंज है, ये आप ब्राइड्स टू बी को दे सकते हैं जो 20+ के लगभग है, उनको दे सकते हैं। वैसे कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी स्किन टाइप वाले लगा सकते हैं, कोई भी एज वाले लगा सकते हैं, बट आई बिलीव कि दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर टीनएजर्स, जिस पर ये बहुत अच्छा काम करती है। ये आपके जो है नेचुरली आपकी स्किन को हेल्दी और अच्छा दिखाएगी। इसमें जो बेसिक जो स्किन चीजें है ना, ये किस चीज का कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन है, ये रिड्यूस करेगा आपकी डिस्कलरेशन को, पैची स्किन को, अनइवन स्किन टोन को, रेड टोन को जिनकी रेड हो जाती है, येलो टोन को, आपकी जो है जो ग्रे स्टोन है उसको, डल टोन को, हाइपर पिगमेंटेशन को, और डार्क स्पॉट्स को, इस सब चीजों को केटर करने के लिए 84% औरतों ने ये, क्योंकि हम एनुअल पर टेस्टिंग नहीं करते, 84% औरतों पर ये टेस्ट की गई है रेंज, और उन्होंने क्या इंस्टेंटली सूट किया हमारी स्किन। ये कंज्यूमर बेस्ड टेस्टिंग के रिजल्ट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इसका सिरम मौजूद है, इसकी आई क्रीम मौजूद है, इसकी डे और नाइट क्रीम मौजूद है, तरीकेकार हुई है, नोविच का क्लेंजर यूज करें जो क्लेंजर और टोनर है, उसके बाद आप उसका सिरम पूरे मुंह पे लगाएंगे, आंखों के नीचे आई क्रीम लगाएंगे, दिन को डे क्रीम सिर्फ छाइयों पर, निशानों पे लगाएंगे, या डॉट्स पे लगाएंगे, रेड स्पॉट्स पे लगाएंगे, और रात को भी उसी हिसाब से प्रोडक्ट को यूज करेंगे। सो दिस इज अगेन एन अमेजिंग अमेजिंग, इसका मैं पूरा एक रिव्यू इंशाल्लाह आपके साथ तैयार करूंगी एंड बताऊंगी। फिर हम आगे बात करते हैं अपनी नोविच की, जो पुरानी हमारी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उनकी बात करते हैं। तो नोविच की पुरानी प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास मौजूद है अल्टीमेट लिफ्ट, जिसकी 5 प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। इसमें खास तौर पर 3 जो है वो टेक्नोलॉजीज डाली गई हैं, जिसमें स्पार्टोलिफ्ट टेक्नोलॉजी है, बुडेलजा प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं, ट्राइपेप्टाइड टेक्नोलॉजी है, जो 40+ को हम ये देते हैं। ये वाली रेंज पब्लिश अब 40+ को देते हैं फॉर एंटी एजिंग, ये एंटी एजिंग की रेंज है। 30+ को एंटी एजिंग में हम एक कॉलेजन का सेट देते हैं, ये हमारी एडवांस परफॉर्मिंग स्किन केयर है। इसकी भी 5 प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, इसमें ट्राइपेप्टाइड टेक्नोलॉजी है,
इसका लो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है हाइलुरोनिक एसिड के साथ। आप देखें अब ब्यूटी में सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड यूज किया जाता है, उसके अलावा इसमें प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट्स मौजूद हैं जो रिंकल्स को आपकी कवर करते हैं। आदमियों की जो हमारे पास रेंज मौजूद है इसमें 4 प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और इसमें बोवाब एंटी एजिंग टेक्नोलॉजी है और इसमें कॉफिया जो है प्लांट स्टेम सेल एक्सट्रैक्ट्स मौजूद हैं जो आपकी स्किन को टायर्ड स्किन को सूद करते हैं। फिर हम आगे बात करें अपनी कैटलॉग की तो ऑप्टिमल्स की सिर्फ वो जो 3-4 रेंजेस हमने बताई हैं वो नहीं है, हमारे पास ऑप्टिमल्स की हाइड्रास की एक पूरी रेंज है जिसमें सीइंग इज बिलीविंग इज फॉर पफिनेस एंड डार्क आई सर्कल्स। सीइंग इज बिलीविंग हम नॉर्मली देते हैं, आप नोवेज की भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। इसका ये सिरम है, ये ऑल वाटर की रेंज है, ये पूरी रेंज जो हाइड्रा की है हाइड्रेशन वाटर से बनी है, ये वाटर बेस्ड है। जिनके पिंपल्स निकलते हैं आप उन्हें दे सकते हैं, जिनकी डिहाइड्रेटेड स्किन है उनको आप दे सकते हैं। अगेन हमारे पास ऑप्टिमल्स की इसकी हमारा एक एक्सटेंसिव सेट मौजूद है। ऑप्टिमल्स की बॉडी फर्मिंग लोशन भी मौजूद है जिसमें जो है एक बोटेनिकल प्रॉपर्टीज है जिसके अंदर हमारे पास एंटी सेलुलाइट जेल मौजूद है और साथ जेल जो है आपकी सेलुलाइट को चर्बी को तोड़ता है और अगर मैं बात करूंगी फर्मिंग लोशन तो वो आपकी बॉडी को फर्म करता है जो झलक जाती है। उसके बाद हम ऑप्टिमल्स की एज रिवाइव की जो पहले भी प्रोडक्ट्स आई थी जो लास्ट टाइम इन द कैटलॉग हुई थी इसके साथ भी लास्ट टाइम इन द कैटलॉग लिखा हुआ है और अगर मैं आपको ये बताऊं इसके नीचे भी लास्ट टाइम इन द कैटलॉग लिखा हुआ है यानी ऑप्टिमल सारी रीवैम्प हो रही है, इस बात को आप समझिए। तो ये सारी रीवैम्प हो रही है, ये भी आपको नहीं मिलेगी, ये भी आपको नहीं मिलेगी और नीचे हम आ जाते हैं तो आपको ऑप्टिमल एंटी ऑक्सीडेंट विटामिन सी बूस्टर लास्ट टाइम इन द कैटलॉग है, आप लेना चाहें जितने चाहे लेकर स्टॉक कर लें, इसके बाद ये नहीं मिलेंगे। इसको फ्रिज में अंधेरे में रखें, इसको ओपन करके आप नहीं रख सकते हैं, ठीक है। प्योर स्किन का अगर मैं बात करूं चारकोल पील ऑफ मास्क अच्छा है, ये ठीक है, बस मुझे ठीक लगता है अगर मैं अपनी बात करूं, आप यूज करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी लास्ट टाइम इन द कैटलॉग है। उसके बाद हमारी हाथों की जितनी भी हैंड क्रीम्स हैं ये लास्ट टाइम इन द कैटलॉग नहीं है, ये भी मौजूद है। इसके बाद मैं बात करूं एसेंशियल्स की फेस वॉश की रेंज, ये अभी भी है और दिस इज फॉर टीनएजर्स। एसेंशियल्स की हमारी रेंज इज फॉर टीनएजर्स, याद रखिएगा एसेंशियल्स की और जो हमारी एसेंशियल्स के साथ आती है लव नेचर, एसेंशियल्स फॉर लव नेचर, थैंक यू वेरी मच, ये टीनएजर्स की रेंज है और हमारी जो इवन आउट की जो ऑप्टिमल्स की रेंज है परफॉर्मिंग रेंज है जो थोड़ी इश्यूज को कैटर करती है रिंकल्स एंड फ्रैकल्स और एडवांस परफॉर्मिंग इज ऑल नोवेज, ठीक है। हमारी एसेंशियल्स की ये फेयरनेस की भी रेंज सारी रिवैम्प होकर आई है विच इज रियली गुड, आई हैव सीन द फीडबैक। उसके अलावा हमारे पास ये बहुत बहुत अच्छा सनब्लॉक है, इसको प्लीज मिस मत कीजिए, थैंक यू शाफिया। ये हमारे पास जो है ये बहुत अच्छा एक ब्राइटनिंग क्रीम के साथ फेस वॉश है जिसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स है। आगे हम चलते हैं, हम कुछ चीजों की बात करेंगे, ये अगर आप चाहें तो पूरा सेट ले सकते हैं, चाहें तो तोड़ के भी इन चीजों को ले सकते हैं, तोड़ तोड़ कर इनके कोड्स, अगर आपको एक चीज चाहिए तो उसकी प्राइस ये है, पूरा सेट लेंगे उसमें ज्यादा आपको फायदा है। कल भी मैंने बात की थी अपने सेट्स के एक कस्टमर हमेशा इंक्रीज करें। नोवेज का आगे हम बात करें, ये इंटेंस स्किन रिचार्जेबल ओवरनाइट मास्क, इट्स फुल ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, बहुत अच्छा मास्क है। अब अपनी सारी क्रीम्स लगाने के बाद ये ऊपर लगाएंगे, ओवरनाइट रखेंगे और सुबह मुंह धो लेंगे। ये मास्क इज वेरी गुड फॉर मॉइस्चर फॉर योर स्किन की ग्लोइंगनेस के लिए, ठीक है। फिर ये हमारा नोवेज का सुप्रीम क्लिंजर है, ये भी बहुत अच्छा क्लिंजर है आपके मुंह को साफ करने के लिए। फिर रिन्यूइंग पील, ये वो पील है जिसकी मैं बात कर रही थी, स्क्रब की जगह आप केमिकल पील एच और बी एच ए वाला यूज करें, ये वो पील है। प्राइमिंग एसेंस की भी मैंने बहुत तारीफ ऐसे सुनी है कि इसको चेहरे पे लगाए आपके पोर्स को स्किन को ब्राइट करती है। ये हमारा सनब्लॉक है नोवेज का, अगेन ये हमारा जो है दानों को टारगेटेड सॉल्यूशन है, ब्लेमिशेस के लिए दानों को मार देता है, मुझे ये थोड़ा इरिटेट करता है। डायमंड क्रीम इज अ गुड बाय फॉर 40+ ड्राई स्किन, एंटी एजिंग है और ये ब्लैक हेड रिमूवर है।
आगे हम चलते हैं टॉयलेट्रीज के सेक्शन की तरफ। टॉयलेट्रीज होते हैं साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, पेस्ट। आगे लोग सर्दियों का, अगेन मैंने आपको बताया सर्दियों में लोग डाई यूज करते हैं, चीजें यूज करते हैं, बाल बहुत खराब होते हैं। तो 15% ऑफ पर हमारी ये पूरी कलर जो जो डाई करके यूज करते हैं अपने बालों को, डाई करते हैं उनकी पूरी रेंज है इसमें, उसका शैम्पू है, कंडीशनर है और मास्क भी मौजूद है। आगे हम बात करेंगे फिर विंटर्स की एक और बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट की, जो फीट अप की प्रोडक्ट्स हैं। अक्सर एड़ियां खराब हो जाती है विंटर्स के अंदर, हमारे पाउंड होते हैं बहुत ड्राई हो जाते हैं, उन लोगों के लिए हमारे पास 3 रेंजेस है। जो जुराबें बहुत बंद जूते पहनते हैं और उनको फिर भी पसीना आता है, उनके लिए हमारे पास एंटी पेरेंट फुट क्रीम है, वो लगा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है एक और बड़ी जबरदस्त कंफर्टिंग फुट क्रीम है, बहुत अच्छा इसका भी रिजल्ट है, ट्रस्ट मी। और एक हमारी जो फटी एड़ियों को, हील्स को ठीक करने की भी फुट क्रीम है विद यूरिया एंड एवोकाडो। यूरिया आपके पाओं को बड़ा जबरदस्त हील करता है और बहुत कम दुनिया की प्रोडक्ट्स ऐसी फुट की मौजूद है जिसमें यूरिया डाला जाता है, बिकॉज इट गोज वेरी एक्सपेंसिव। हेयर एक्स, ये इस वक्त हमारे स्टॉक में नहीं है, आप लोगों ने इतना ज्यादा खरीदा है कि स्टॉक से आउट हो गया है। हेयर एक्स की 4 रेंजेस है, इसका शैम्पू है, इसका कंडीशनर है। और हेयर फॉल के लिए आपने बेसिकली जो चीज यूज करनी है वो उसका है एंटी हेयर फॉल स्कैल्प टॉनिक, नॉट एम्पलीफायर। एम्पलीफायर किसके लिए यूज होता है, आपने बाल ब्लो ड्राई करने हैं या सेट करने हैं उससे पहले आप एम्पलीफायर लगाओगे। एम्पलीफायर का सिर्फ जो है वो मिड लेंथ से एंड पे लगता है, याद रखिएगा रूट्स में नहीं लगता, मगर आपका जो सिरम हेयर फॉल का है वो पूरे सर के अंदर लगेगा। आगे हम बात करेंगे कुछ डिओड्रेंट्स और रोल ऑन्स की, हमारे पास वैक्स स्ट्रिप्स बॉडी और फेस की मौजूद है। उसके अलावा बोटानिकल्स की रेंज है जिसकी खुशबू इज लाइक मेरे ख्याल में जन्नत से खुशबू बनाई गई है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसके अलावा हमारे पास शावर जेल्स की, अभी अब चूंकि टॉयलेट्री सेक्शन में हम आ गए हैं, नहाने धोने में आ गए हैं, ये सारी टॉयलेट्रीज की रेंज है। इसके अंदर हमारी बॉडी को फेयर करने की, हमारी बॉडी की शावर जेल्स मौजूद हैं जो आपके कॉम्प्लेक्शन को फेयर करेगा। अगेन हम इंटीमेट वॉश की बात करें, इसमें 3 फ्लेवर्स हैं और ये बहुत असेंशियल प्रोडक्ट है फॉर फीमेल्स। हम लोग इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते और हम साबुन और बहुत सी चीजें यूज कर रहे होते हैं जिससे बहुत सी दफा आपने देखा है खवातीन को मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज और रैशेज और रिएक्शंस हो जाते हैं। सो इंटीमेट वॉश के 3 फ्लेवर्स हमारे पास मौजूद हैं, 2 ये इस वक्त जो है वो ऑफ में नहीं मौजूद है, मगर आप जब भी अपने आप को धोएं, नॉर्मली मेरे बाथरूम में, मेरी बेटी के बाथरूम में हम जरूर इसको रखते हैं और इसको स्पेशली ऐसे वक्त में जब आपको पीरियड्स हों या कोई ऐसी चीज हो, आप इसको लाजमी अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं और इसको यूज करें ताकि आपको किसी किस्म की इचिंग या और प्रॉब्लम्स ना हो। अगेन हम बात करेंगे नॉट फॉर मेन की, तो उसका हमारे पास आदमियों का बहुत ज्यादा अच्छा हेयर जेल है जो बालों को बहुत ज्यादा होल्ड करता है, कोई भी स्टाइल बनाए उसका। और नॉट फॉर मेन का साबुन मौजूद है। इसके अलावा 3 तरह के ब्रशेस मौजूद हैं जिसके अंदर 3D कर्ल ब्रश है और सिंपल ब्रश है, कॉम्ब है। अगर इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपको बहुत सी यूट्यूब पे वीडियोज मिल जाएंगे जो आप इसको इसका इस्तेमाल बताएंगे। फिर आदमियों की रेंज की बात करूँ तो आदमियों का हमारे पास जो है वो पूरी एक एक्सटेंसिव रेंज मौजूद है। जो लोग कहते हैं आप आदमियों को या जिन लोगों की शादियां हो रही हैं, आपके कजन्स हैं, आपकी फैमिली में या ग्रूम्स हैं, उनको एक सेट बना के भी इसका आप दे सकते हैं। इसमें नॉट फॉर मेन का 2-in-1 शेविंग एंड क्लिनजिंग फॉर्म है, आपके पास मॉइस्चराइजिंग जेल है, आपके पास जो रोल ऑन है और आपके पास इसका हेयर एंड बॉडी वॉश और 20% डिस्काउंट पे मौजूद है। अगेन सेट बनाना आपका काम है, आप सेट्स को दिमाग से बनाएंगे। 20% ऑफ पर हमारे पास अगेन 2 प्रोडक्ट्स हैं अगली उसके अंदर, एक हमारे पास आदमियों का और एक औरतों का, वुमेन कलेक्शन का वाइट लैलेक का, औरतों का हमारे पास EDT है और आदमियों का हमारे पास डार्क वुड है। एक होता है परफ्यूम्स की अगर मैं बात करूँ, एक EDT होता है, एक EDP होता है। UD टॉयलेट इज लाइटर, EDP UD परफ्यूम इज अगेन स्ट्रॉन्गर। सो हमेशा कीमतों में इसका इसी तरह फर्क होगा। फॉर हिम की बात करें तो हमारे पास आदमियों के 2 डिओड्रेंट्स मौजूद हैं और इसके अलावा हमारे पास आदमियों का डिओड्रेंट्स के साथ मौजूद हैं सिट्रस टॉनिक का EDT और जुडानी गोल्ड का जो है वो हमारे पास ग्लेशियर एक मौजूद है और एक्लेट का हमारे पास जो है वो डिओड्रेंट मौजूद है। सो हमारे पास GG का भी आदमियों का, सारी आदमियों की रेंज मौजूद है। आगे हम चलेंगे फॉर हर औरतों की, इस दफा में बस बहुत ज्यादा परफ्यूम्स आ गए हैं
जिसके अंदर हमारे पास एक ईडीटी मौजूद है रेडियंस फ्यूनी वाला, दूसरा हमारे पास एक्लेट का परफ्यूम है, उसके अलावा चॉइस का मौजूद है, और ओरिटेन का विमेन कलेक्शन का पाउडरी मौजूद है ईडीटी। ये सारे अच्छे लाइट परफ्यूम है, फ्लावरी परफ्यूम्स हैं, और आप इन्हें यूज कर सकते हैं और सजेस्ट कर सकते हैं, गिफ्ट सेट बना सकते हैं, शादियों पे, सालगिरह पे दे सकते हैं, एनिवर्सरी पे दे सकते हैं। आगे क्योंकि मौसम चेंज हो जाएगा, ड्राइनेस हो जाएगी, डैम्पनेस हो जाएगी, सो आप अपनी स्किन पर लव पोशन का एक बहुत ही फ्रूटी वनीला ओरिएंटल 20% ऑफ पर एक बॉडी परफ्यूम क्रीम भी यूज कर सकते हैं। 20% ऑफ पर लव नेचर का गेन हमारे पास सेवन मंथ शैम्पू मौजूद है। ये जो है वो बेसिकली इसमें शैम्पू भी है और कंडीशनर दोनों है, जेंटली क्लेंस करता है आपके बालों को और आपके बायोडिग्रेडेबल टेक्नोलॉजी के साथ है, फॉर ऑल हेयर टाइप्स है, तकरीबन हर कोई इसको यूज कर सकता है। आगे हम बात करेंगे तो हम बात करें क्योंकि टॉयलेट्रीज का सेक्शन है, तो टॉयलेट्रीज के सेक्शन के अंदर लव नेचर के 3 बॉडी वॉशेस मौजूद हैं, शावर जेल्स मौजूद हैं, बॉडी वॉश हो गया, शावर जेल हो गया, आप ये ब्राइड्स को भी दे सकते हैं, खुद भी यूज कर सकते हैं, आप इनके सोप बार्स भी मौजूद हैं, आप चाहें तो उसको भी यूज कर सकते हैं। एक हमारे पास मौजूद है एक्सफोलिएशन के साथ शावर जेल विद मिंट एंड रेस्बेरी। अच्छा, इसके अंदर छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं, जो लाल वाला है इसमें ग्रैन्यूल्स हैं, स्किन को एक्सफोलिएट भी करते हैं। दूसरा जो है कोकोनट वाटर और मेलन के साथ है, और तीसरा जो है वो हमारा ऑलिव ऑयल और एलोवेरा के साथ है, और तीनों का रिजल्ट इज रियली रियली वेरी गुड एंड आई रेकमेंड। शाफिया, किस किस्म के फेस के लिए कौन सा लोशन, इतनी तो मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताई हैं, आप कौन सा लोशन फेस पे यूज करना चाहते हो। आगे हम आते हैं मिल्क एंड हनी, हमारी वन ऑफ द बहुत ही हॉट सेलिंग ये है लव नेचर का, हमारे पास सोप बार मौजूद है, आगे मौसम की मुनासबत से बहुत अच्छा रहेगा, इसकी हैंड क्रीम मौजूद है, आप ये दोनों चीजें भी लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू गो थ्रू इट वंस। शाफे, आपको अपने लिए चाहिए? अच्छा जी, लव नेचर की मैं बात करूं, अच्छा हमने बेसिक स्किन केयर की बात की थी पहले, आप देखिए इसको हमने बिल्कुल एंड में रखा है, ये बच्चों की स्किन केयर है, बेसिक स्किन केयर है। बच्चों के लिए लगा सकते, बच्चों को वैसे कुछ ना लगाएं, अगर आपके बच्चे 10 साल से ऊपर है तो लगाएं, वरना जरूरत कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट मी, सनब्लॉक के अलावा कुछ की जरूरत नहीं। अच्छा जी, लव नेचर का हमारे पास मौजूद है ये पूरी रेंज, और इस रेंज के अंदर हमारे पास बेसिकली एलोवेरा और कोकोनट वाटर के साथ नॉर्मल स्किन की है, ये पूरी रेंज इसको नॉर्मल स्किन, आप देखिए इसकी बड़ी छोटी सी प्रोडक्ट्स हैं, इसके अंदर हमारे पास एक क्लेंजर मौजूद है, एक टोनर मौजूद है, और इसके अलावा हमारे पास एक इसकी फेस क्रीम मौजूद है, एक इसका 2-in-1 स्क्रब और जो है मास्क मौजूद है, स्क्रब भी यूज हो सकता है, मास्क भी के तौर पे भी यूज हो सकता है, और इसकी आई क्रीम है, क्योंकि छोटी बच्चियों को बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती, ये छोटी बच्चियों की नॉर्मल स्किन के लिए बनाया गया है। इसी लव नेचर का फॉरेस्ट बेरी डिलाइट बॉडी एक्सफोलिएशन का जैम मौजूद है, लड़कियां आसानी से ले सकती हैं। फिर लिप मास्क और स्क्रब भी मौजूद है, जो जिनके लिप्स काले हो जाते हैं वो इसको यूज कर सकते हैं। फिर ऑयली स्किन के लिए हमारे पास लव नेचर का प्योरीफाइंग जेल है, जिनके दाने निकलते हैं और ऑयली स्किन है उनको आप टी ट्री का दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आप जाते हैं, इसकी भी एक पूरी, इसका टोनर मौजूद है, इसकी क्रीम मौजूद है, इसका प्योरीफाइंग फेस ऑयल मौजूद है, इसका 2-in-1 मास्क और स्क्रब मौजूद है, और इसका हमारे पास करेक्टर मौजूद है जो आप कंसीलर के तौर पर यूज कर सकते हैं। इसी तरह से लव नेचर के हमारे पास हेयर के 3 साशे मौजूद है, दे आर रियली गुड, आई हैव ट्राइड देम, एक इसमें मैंगो है, इसमें एवोकाडो है, और एक इसके अंदर बनाना का मास्क मौजूद है, ठीक है, ड्राई बालों के लिए, डिफरेंट तरह के बालों के लिए साशे में एक वक्त में एक यूज करती हूँ। फिर आपका ऑल एजेस के लिए, ऑल स्किन टाइप्स के लिए एप्रिकॉट और ऑरेंज का एक 3 सेट्स की प्रोडक्ट्स मौजूद है, टोनर है जिसमें इसके हमारी फेस जेल है, फॉर वॉश और क्लिंजर मौजूद है।
का सब कुछ मौजूद है। आगे हम लव नेचर की बात करें तो लव नेचर का एक शावर जेल मौजूद है ऑल एजेस, और बेसिकली ये तो शावर जेल है तो एनीवन कैन यूज इट, और बॉडी क्रीम है। आगे मौसम ऐसा है, लव नेचर का कोकोनट का ऑयल जिसकी मैं बात कर रही थी, जो आपको कैटलॉग ड्राइवर के साथ लोगों को सजेस्ट करना चाहिए कम अज कम 5 से 6 वीक में एक दफा जरूर यूज करें, ये मौजूद है। इसके 4 BP है। उसके अलावा हमारे पास लव नेचर का शैम्पू है ऑयली बालों का नेटल और लेमन के साथ। इसी तरह से लव नेचर का हेयर एंड बॉडी ऑयल है स्वीट आलमंड के साथ। जेहन में रखिएगा बॉडी ज्यादा हेयर की जड़ों में नहीं लगना चाहिए, मिड लेंथ से एंड तक लगेगा, जड़ में ये बिल्कुल ऑयल नहीं लगेगा। हैंड क्रीम है। उसके अलावा लव नेचर का बॉडी लोशन है हमारे पास कोकोनट वाटर की रेंज में से। डैंड्रफ के बालों के लिए, डैंड्रफ कंट्रोल के लिए लव नेचर का शैम्पू है जो टी ट्री के साथ और बटॉक के साथ मौजूद है। ऑयली स्किन के लिए एक बहुत अच्छा हमारे पास मास्क मौजूद है जिसमें अगेन बटॉक मौजूद है। बटॉक बेसिकली एंटीबैक्टीरियल का काम करता है, फंगस को रोकने का काम करता है। मिल्क एंड हनी का हॉट सेलर है जी स्क्रब, शुगर स्क्रब। बॉडी के लिए कोशिश करें यूज करें और पाँव पे फेस को थोड़ा सा अवॉइड ही करें। 2-in-1 बॉडी एंड हेयर ऑयल, जिस तरह पहले एक आया था अब ये इसका नया एक नया वर्जन आया है एवोकाडो ऑयल के साथ आया है। अगेन बॉडी पे आपने ज्यादा यूज करना है, मिड लेंथ से एंड पे यूज करना है और आपने अपने बालों की जड़ों में नहीं लगाना। वाइटामिन का बहुत अच्छा सोर्स है। बच्चों के लिए भी बहुत, जब मैंने ज्वाइन किया था और एक दिन तो बच्चों की बहुत सी रेंज मौजूद थी, फिर हमने डिसकंटिन्यू कर दी। अब हमारे पास एक चीज आ गई जिसमें नोमोटे फॉर्मुलेशन है और उसके अलावा बायोडिग्रेडेबल है, उसमें स्ट्रॉबेरी के एक्सट्रैक्ट मौजूद है। ये बेसिकली 20% ऑफ के ऊपर लाया गया है, हेयर एंड बॉडी वॉश है बच्चों के लिए। 959 का 9 BP मौजूद है और ये हमारी मन से क्विक पिक मौजूद है, हमारी अक्टूबर की क्विक पिक है ऑन कलर की जो मैंने आपको बताई है टीन एजर्स की। इसमें बहुत मॉइस्चर है, आप इसको आपकी अगर इवन टोन स्किन है बहुत ज्यादा कवरेज की आपको जरूरत नहीं तो आपकी कोई भी एज आप इसको यूज कर सकते हैं, गर्ल्स को दे सकते हैं। ये आपको 40% ऑफ पर इस कैटलॉग में आपको 20 और मिलेगा। नवंबर के अंदर आपको स्टाइल स्मार्ट का जो है वो एक हमारी रेंज मौजूद है हेयर एक्स की, जो बेसिकली इसका मूज है, ये भी आप जो है वो यूज कर सकते हैं। और मूज के अलावा हमारे पास नवंबर में इसका मूज और इसकी डिफरेंट चीजें मौजूद हैं, और हमारे पास दिसंबर में लव नेचर का पूरा ड्राई स्किन का हमारे पास पूरी रेंज मौजूद है, जो टीनेजर्स की है या जिनकी लाल स्किन रहती है उनके लिए। हमेशा याद रखिएगा अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन हो जाती है तो उसको केटर करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है, गीले हल्के से डैम्प गीले मुंह पर आप क्रीम लगाएंगे तो सही हो जाएगा। पजेस इज वन ऑफ द माय फेवरेट परफ्यूम्स ओरिफ्लेम का। ओरिफ्लेम के जितने भी परफ्यूम्स है वो ओरिजिनल है। हम नॉर्मली लोग ए कॉपी, बी कॉपी या सी कॉपी यूज कर रहे होते हैं परफ्यूम्स की, क्योंकि एक्चुअली बहुत महंगे हैं परफ्यूम्स, क्योंकि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है तो ओरिफ्लेम के परफ्यूम्स आपको इतने एक्सपेंसिव नहीं मिलते, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टीजमेंट, ब्रांड एम्बेसडर मौजूद नहीं होता। सो आपको ओरिजिनल अमेजिंग डिजाइनर मेड परफ्यूम इतने सस्ते मिल रहे होते हैं और इसकी बहुत स्टेइंग स्मेल है। आप इसको और स्टेइंग बनाने के लिए इसका डिओडोरेंट और जो है वो इसका बॉडी वॉश दे सकते हैं। ये गिफ्ट सेट ब्राइडल बन सकता है, इसको आप कहते हैं आप जो इसे कहते हैं ना एडिंग वैल्यू वाली, एड ऑन करके जब आप चीजें बेचते हैं, जैसे आप मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, कहते हैं फ्राइज के, आपने बर्गर के साथ फ्राइज लेने हैं या आपने ड्रिंक लेनी है, बिल्कुल वही वाला सीन है। आप पूरा गिफ्ट सेट बनाकर एक अच्छे से डब्बे में दे सकते हैं, आपको कितने ज्यादा बीपी का ऑर्डर मिलेगा, 25% ऑफ पर मौजूद है। एक हमारा ये नया इसका टेस्टर भी इसके साथ मौजूद है 30% ऑफ पर, आपको हमारा एक फीमेल का ही जिसे कहते हैं वो मिल रहा है परफ्यूम, और उसका जो है वो बड़ी इसकी वाइट मस्क टाइप की इसकी हल्की सी फ्लोरल सी खुशबू है। इसका जो ट्राई मी है इसका टेस्टर, आप इसकी खुशबू लेने से पहले इसको ट्राई मी कर सकते हैं। इसके 22 BP हैं, 2449 का कोई भी खरीद सकता है, बहुत सस्ता है, यकीन मानिए आपको इतना सस्ता पड़ेगा और आपके कस्टमर भी इजीली इसको बाय कर सकता है। और ये आप कोशिश करें कि आप लोगों को रिकमेंड करें, LY UGT है, EGT है ये,
और इसके बाद हमारे पास एक जबरदस्त सेंट मौजूद है जो हमारा ईडीपी है, जुडानी गोल्ड का, ये भी औरतों का है और मैंने ये लिया है, अभी मैंने इसको यूज नहीं किया और इसका नाम है बाइट ओरिजिनल। इसकी मुझे हल्की सी ना थोड़ी सी लग रही है, खट्टी मीठी फ्लावरी हर तरह की मिक्स स्मेल लग रही है। इसको यूज करूंगी, इसका फीडबैक दूंगी। 3849 रुपीज के 35 BP है। अगेन आपको 20% ऑफ में मिल रहा है। थिंक अबाउट बिजनेस, कौन कौन से स्टेप्स आपने बनाने हैं। अगेन हमारे पास जुडानी गोल्ड का एक बॉडी का परफ्यूम मौजूद है, बेसिकली ईडीपी है ये, इसका परफ्यूम और इसका बॉडी लोशन मौजूद है। ये भी अगेन बहुत अच्छा सेट है, बहुत अच्छी प्राइस पर है। आप दोनों सेल करते हैं तो आपको 40 BP से ऊपर दोनों के मिल जाते हैं। कोशिश करें इनको प्रमोट करें और 3 महीने के लिए जो हमारे पैक लास्ट पेज पर जो हमारी ऑफर है 25% ऑफ पर मिल्क एंड हनी का शैम्पू कंडीशनर और मास्क है। ये मैं आज आपको ये बात बता दूँ, ये 3 महीने के लिए ये आपको मिलेगा नहीं, जो आपको कोकोनट का शैम्पू कंडीशनर है मिलेगा नहीं। सो इसको जल्द से जल्द उठा लें, इंस्टेड ऑफ आखिरी दिन पंच करें और ये गिला करें कि ये मुझे मिला नहीं। ये 3 महीने के लिए जो ऑफर होती है वो कभी भी नहीं रहती और यकीन मानिए ये वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट शैम्पू कंडीशनर है फॉर विंटर्स। अगेन ऑर्गेनिकली सोर्स्ड मिल्क और हनी के साथ बना हुआ है जो नरिश करता है, मॉइस्चर करता है और ये सारे डिस्काउंट पर आपको मिल रहे हैं। सो आप किसी को ब्राइड्स के लिए भी दे के रख लें, किसी की शादी आ रही है बाद में उसको बेच दीजिएगा, दे दीजिएगा, रिकमेंड कर दीजिएगा। तो ये तो थी हमारी प्रोडक्ट की नॉलेज जिसमें मैंने कोशिश की है कि नई पुरानी जिस तरह से हो सकूँ आपको अंडरस्टैंडिंग दे सकूँ कि किस किस तरह के परफ्यूम्स होते हैं, ईडीटीज होते हैं, ईडीपीज होते हैं, दो तरह के होते हैं, डिओडोरेंट्स होते हैं, बॉडी वॉशेज होते हैं, बॉडी का आप जब सेट बनाते हैं तो आप कैसे बनाएंगे, आप एक बॉडी वॉश लेंगे, आप उसके साथ एक बॉडी की क्रीम ले सकते हैं खूबसूरत सी, उसके उसी क्रीम के साथ एक परफ्यूम ले सकते हैं, आप चाहें तो रोल ऑन भी उसमें ऐड कर सकते हैं। ये इस तरह का एक बॉडी का पूरा सेट बन सकता है। मेकअप का बनाएंगे तो मेकअप की उसी रेंज में रहते हुए, अगर ऑन कलर है तो ऑन कलर का सेट बनाएं, दवान है तो दवान का सेट बनाएं, जीजी है तो जीजी का सेट बनाएं। आप हेयर की बात करते हैं तो आप पूरा अगर लव नेचर पे हैं तो लव नेचर का कोकोनट का हेयर ऑयल के साथ मास्क भी आप ऐड कर सकते हैं जो साशेज मैंने आपको दिखाए थे। इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी, हाउ क्रिएटिव यू आर। जो भी स्किन केयर रेंज पे सनब्लॉक जरूर उसमें ऐड करें। तो यहाँ तक तो थी हमारी आज की ट्रेनिंग, होपफुली आपके लिए कुछ ना कुछ आपको जरूर नया इसमें मिला होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप